गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ले को गुड इवनिंग बच्चा लोग गुड इवनिंग बच्चा लोग चलो यार सब बच्चे रेडी है सब बच्चे रेडी पढ़ने के लिए क्या सब बच्चे रेडी पढ़ाई करने के लिए यार सबका आवाज आ रही है बेटा जी सबका आवाज आ रही है क्या क्या ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है सबको आवाज आ रही है चलो यस 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 बेटा जी यस बेटा जी ओके okay, चलो बेटा तो शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट सेशन ओके पढ़ रहा था मैं बेटा, बेटा मैसेज पढ़ रहा था बेटा, मेरे भाई। यास, यास, यास। तो बाकी नालायक बच्चे बाकी नालायक बच्चे थोड़ा सा कुछ बच्चों को टेस्ट में कुछ क्वेरी लग रही मुझे टेस्ट में कुछ मिस्टेक लग रहा है ठीक है बेटा जी काम करो टेस्ट में बच्चा अगर बड़ा मिस्टेक अगर लग रहा होगा आप टेंशन मत टेंशन मत लो बड़े काम करो बड़े काम करो टेस्ट में एक बार मैं टेस्ट का पेपर बच्चों गोथ्रू कर तो गो थ्रू कर लेता हूं। अगर बेटा किसी बेटा क्वेश्चन में मतलब अभी नहीं मैं कल गो थ्रू कर लू कल बच्चों गोथ्रू कर लूंगा अगर बच्चों कुछ बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगी तो उसके रिवाइज आंसर या कुछ करेक्शन बेटा होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ठीक है बेटा जी तो जो बेटा जिस पर क्वेश्चन मिस्टेक रहेगा या जो भी बेटा जी मतलब क्या बोले मिस्टेक रहेगा या जो करेक्शन रहेगा वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा तो सुट आप सही आंसर वेरीफाई कर पाओगे ठीक है, क्लियर बच्चा लो क्लियर बच्चा लो ठीक है समझा बेटा जी आपका कंसर्न ठीक है बाकी यार मुझे बाकी मुझे आता बाकी मुझे आता बाकी, बाकी ना के मुझे होता कैसा लगा मतलब टेस्ट देके कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है टेस्ट देख के अच्छा लग रहा है बेटा कॉन्फ्रेंस बड़ा रहा है मैं मैं क्या होता हूँ जो बेटा जी मैं बोलोगे बेटा जी जो बेटा मतलब मिस्टेक थे वो छोड़ दो कुछ गलतियाँ थी उसे छोड़ दो लेकिन बेटा ओवरऑल मुझे होता टेस्ट देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब कुछ लग रहा है अपने को आ रहा है थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है क्या एम सी यू का अंदाजा आ रहा है क्या एम सी यू कैसे टैकल करने चाहिए थेरी कैसे टैकल करने चाहिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और कहाँ पे अपन गलत जा रहे हैं कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए कितना और प्रैक्टिस करना चाहिए आपको खुद को समझ में आ रहा है बच्चों और बेटा जी कल जिनको बेटा जी कल जिनको बेटा आंसर पेपर नहीं मिला कल जिनको बेटा ने कल नहीं क्या जिनको सोल्यूशन नहीं मिला होगा बेटा आज उनको मेल भी आएगा शायद से बेटा जी मेल पे आएगा ना बेटा ओके okay. ठीक है बेटा जी यस सेकंड बच्चों मुझे बताना बच्चों के 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 को शेयर कर दूंगा तो आज के लेक्चर के नोट्स और कल के नोट्स आपके ग्रुप पे आ जाएंगे ये मेरा, मेरी गारंटी बेटा जी कल के नोट कल के लेक्चर है और आज के नोट से आज रात को ग्यारह तक नोट आपके मेल पे आ जाएगा ठीक है बेटा जी यस सॉरी ग्यारह तक आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा टेलीग्राम पे आ जाएगा नेक्स्ट नालायक को नेक्स्ट नालायक को देखो बच्चों अभी देखो लेक्चर को शुरुआत करते चल भाई साहब अगर आप लेक्चर के लिए एक्साइटेड हो तो फटाफट एक लाइक ठोको जो बेटा जो जो आपके लाइक के साथ एज बेटा आपके लाइक के साथ आपके जोश के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते चलो बेटा जी फटाफट एक लाइक ठोको चलो सब बच्चे जोश में आ जाओ फटाफट हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यस जस्ट गिव मे वन मिनट

जिनको कल का लेक्चर देखाने होगा बेटा जी भाई साहब मैं पहले बता चुका कल का लेक्चर जो देखाने होगा मैंने ऑलरेडी बताया बेटा जी लेक्चर प्राइवेट रहेंगे लेक्चर बच्चों पब्लिक हो जाएंगे बीस के बाद ठीक है बेटा जी ट्वेंटी तारीख को बीस नवंबर को लेक्चर पब्लिक होंगे बेटा जी ठीक है तो मैं क्या बोल क्या बोलता हूं जिनका कल का लेक्चर बेटा मिस हो गया था बेटा अभी आज के लेक्चर लाइव में देखना शुरू करो आज तो बेटा आपके हाथ में उसको लाइव में देखो प्लीज ठीक है आज हाथ में बेटा जी ठीक है चलो ठीक है तो प्लीज प्लीज बेटा जी अब इस पैमिंग मत करो ओके

कल बच्चों मैंने बेटा आपके पास से चैप्टर के नाम मंगाए थे ओके okay. तो आपकी लिस्ट को देखते हुए कुछ मैंने चैप्टर बेटा शॉर्ट लिस्ट किए तो कल बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने सीएमएम एक टॉपिक का डिमांड किया तो ऑलमोस्ट से 90 परसेंट बच्चों ने उस टॉपिक का डिमांड था वो टॉपिक मैच आज लेने वाला हूं जिसका नाम है कंसोलिडेशन ओके okay. तो कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट ट्रिकी टॉपिक

तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते और अपने को कैसे पढ़ने का है इससे एकदम अच्छे से हमें आइडिया आ जाएगा ठीक है बेटा जी चलो यस 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 तो लेट अस स्टार्ट लेटेस्ट तो बच्चों आज के सेशन में कंसोलेशन एकदम परफेक्ट करा के दूंगा जिनको भी इसमें डर लगता है थेरी में प्रैक्टिकल में एमसीक्यू में जो डर लगता है बच्चों सारा डर बेटा मैं निकाल दूंगा टेंशन मत लो साक्षी सब बेटा बता दूंगा प्री पोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट करा के दूंगा ठीक है चलो अब अगले दो घंटे के लिए पूरा टेंशन ठीक है बेटा बस पहले बता रहा हूं ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा है है ये जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगा मैं जो बोलूंगा आराम से उन्हें आपको समझेगा बस भाई साहब जिन लोगों ने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बेटा जी आपको थोड़ा सा डबल ध्यान देना पड़ेगा ठीक है बच्चों थोड़ा सा डबल अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ओके और स्पेशली बच्चों देखो अगर ये चैप्टर बेटा जी देखो चैप्टर में मेरा था थोड़ा अलग है, तो अलग अलग तरीके से तो है बेटा जी ना? तो अलग बेटा जी ना मतलब बाकी टीचर पढ़ाते मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अलग वे कराता कंसे बाकी वही बेटा कराऊंगा समझा क्या लेकिन थोड़ा सा बच्चों ईजी बेटा वे से प्रैक्टिकल करवाता हूं ओके तो जिन्होंने इसके पहले लेक्चर मेरे देखे नहीं होंगे बेटा जी थोड़ा सा तरीका अलग लग सकता है बट ट्रस्ट मी गाइस एकदम इजी लगेगा बेटा जी और इससे सारे के सारे एमसीक्यू आपके आराम से बनेंगे ठीक है चलो अब बेटा मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं नाउ टूडेज टॉपिक इज कंसोल्टेशन ठीक है सर सर वॉट इज कंसोल्टेशन बेटा जी कंसोल्टेशन इज ऑल अबाउट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी सर जी कंसोल्टेशन इज ऑल अबाउट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी सर वॉट इज द होल्डिंग कंपनी मान लो बच्चों एक कंपनी दूसरे कंपनी की होल्डिंग कब बन सकती है देखो बच्चों, अगर एक कंपनी को एक कंपनी को दूसरे कंपनी का होल्डिंग बनना है होल्डिंग बनने के लिए तीन ऑप्शन सब पहला ऑप्शन क्या है? अगर उस कंपनी ने सामने वाले कंपनी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर एक्वायर किए अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के 50 परसेंट से ज्यादा शेयर एक्वायर किए या फिर या फिर अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर किए या फिर उस कंपनी ने सामने वाले कंपनी के सामने वाले कंपनी में उसका फिफ्टी परसेंट से ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है सामने बेटा कंपनी के कंट्रोल में से फिफ्टी पर ज्यादा कंट्रोल इसके हाथ में है तो आप उस कंपनी के होल्डिंग बन सकते हो मैं दो बात बताना लाइकों मेरे पास एक कंपनी ए है अगर भाई साहब कंपनी ए है अगर बच्चों कंपनी ए को कंपनी बी का होल्डिंग बनना है पहला बच्चों ऑप्शन क्या आता है अगर कंपनी ए के पास कंपनी बी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर है अगर ए के पास बी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर है तो ए कही जाएगी होल्डिंग कंपनी और बी कही जाएगी सब्सिडी कंपनी ए बेटा कही जाएगी होल्डिंग कंपनी बी कही सब्सिडी कंपनी दूसरा बच्चा ऑप्शन क्या है अगर मान लो एक कंपनी का बी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर पे कंट्रोल है आपको पता यार कंपनी का मेन काम चलाता कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ए कंपनी का बी कंपनी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा अगर डायरेक्टर पे कंट्रोल है तब भी ए होल्डिंग कंपनी कही जाएगी और बी बच्चों होगी सब्सिडरी कंपनी ठीक है नालाइको उसके बाद तीसरा ऑप्शन मान लो बच्चों मान लो ए को बी की होल्डिंग बनने की बहुत ख्वाहिश है ए को बी की होल्डिंग बनने की बहुत ख्वाहिश है ए ने सोचा बी कंपनी के 50 परसेंट से ज्यादा शेयर हत्या लेते लेकिन तकलीफ क्या है बी कंपनी के आधे ज्यादा शेयर ए को मिल नहीं सकते ए ने सोचा था बी के अपुन 50% से ज्यादा शेयर देंगे मस अपुन होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे बट बी के 50% परसेंट ज्यादा शेयर किसी और के किस पास क्या बात करो हा फिर बच्चों, ए ने सोचा शेयर अवेलेबल नहीं है तो एक काम करते अपन अपन बी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर पे कंट्रोल पाते बट वो पॉसिबल नहीं है तो भाई साहब आधे ना शेयर भी ले नहीं सकते और बोर्ड पे भी कंट्रोल नहीं फिर भी एक की इच्छा है कि मुझे बी का होल्डिंग बनना है मतलब बनना है। तब एक, एक को यह पता, पता चलता है कि बी के फिफ्टी परसेंट ज्यादा शेयर सी के पास है एक को यह पता चलता है कि सी के पास बी के पचहत्तर परसेंट शेयर है सी के पास बी के पचहत्तर शेयर है इसका मतलब सी इज द होल्डिंग ऑफ द बी ओके सर जी सी के पास बी के पचहत्तर शेयर इसका मतलब क्या है सी बेटा को बी का होल्डिंग है अब अगर को बी का होल्डिंग बनना है एक स्ट्रैटेजी बनाएगी ए क्या करेगी ए को पता है सी के पास B के पचहत्तर परसेंट शेयर है सी होल्डिंग है और बी सब्सिडी तो ए क्या करेगा सी के आधे से ज्यादा शेयर पर करेगा तो ए क्या करेगा अपन बी का तो होल्डिंग बन नहीं सकते तो ए क्या सोचता है मैं सी का होल्डिंग बन जाऊंगा अब नालायक बताओ बी का होल्डिंग कौन है सी बी का होल्डिंग कौन है सी और सी का होल्डिंग कौन है ए अरे बी का होल्डिंग कौन है सी सी का होल्डिंग कौन है ए तो ऑटोमेटिकली बी का होल्डिंग ए बन गया ना अरे बी का होल्डिंग सी ए और सी का होल्डिंग ए उस नाते से उस रिश्ते से ए बेटा जी बी का होल्डिंग तो बन गया ना क्या बात कर रहे सर अरे हा मुन्ना हा अगर बच्चे मैं और एक एंगल से बताऊं जो मान लो बच्चा घर में तीन लोग हैं तीन जनरेशन है आप आपके पापा आपके दादाजी आप, आपके पापा आपके दादाजी बेटा आपके पापा अगर कुछ बोलेंगे सुनना पड़ेगा ना हा भाई नहीं सुनेंगे घर से लात मार के निकाल देंगे तो क्या ना इसे पापा आपको कंट्रोल करते यस yes सर पापा क्या आपकी होल्डिंग है पापा कौन है होल्डिंग है और आप कौन हो हो आपके होल्डिंग कंपनी कौन है पापा है पापा आप पे कंट्रोल रखते तो पापा होल्डिंग है और आप बड़े सब्सिडरी हो आपके पापा पे कंट्रोल किसका है दादा जी का दादाजी उनके बाप है तो दादाजी पापा पे कंट्रोल रखेंगे दादाजी ने कुछ बोला पापा को सुनना पड़ेगा तो दादाजी को ने होल्डिंग और पापा को ने सब्सिडी देखो पापा आपको कंट्रोल कर रहे दादाजी पापा कंट्रोल कर रहे मान लो दादाजी ने आपको कुछ काम बोला आप सुनोगे नहीं सुनोगे आप उनको ऐसे बोलोगे भाई देख मैं सिर्फ मेरे बाप की सुनूंगा तुम्हारी क्यों सुनू अगर ऐसे आप बोलोगे दादाजी को देखो दादाजी मेरे जो पप्पा है ना वो मेरी होल्डिंग कंपनी मैं मेरे पप्पा की मेरे होल्डिंग की बात सुनूंगा तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा तो दादाजी बोलेंगे नालायक मैं तेरे बाप का भी बाप हूं अरे तेरा बाप मेरी बात सुनता है तो तू क्यों नहीं सुनेगा तू किस खेत की मूल तो भाई साहब अगर आपके होल्डिंग दादाजी है और दादाजी के होल्डिंग अगर सॉरी आपके होल्डिंग अगर पापा है और पापा के होल्डिंग कौन है दादाजी तो दादाजी ने अगर आपको कुछ बोला सुनना पड़ेगा ना क्योंकि पापा के होल्डिंग दादाजी उस रिश्ते से दादाजी आपको भी होल्ड कर रहे जीपा नालाय को तो आपकी जो होल्डिंग कंपनी है पापा उसकी होल्डिंग कंपनी ये आपकी भी होल्डिंग बन जाएगी तो आप दादाजी के लिए कौन हो सब्सिडी और वो आपके लिए क्या है होल्डिंग है अब रिश्ता समझा कर नालायक को रिश्ता वही सोच नई ओके okay? वही रिश्ता बच्चों अलग एंगल से पहचानने का बेटा अपने को सबको समझा कोई तकलीफ ना लायक को, कोई तकलीफ ना को, ओके okay? तो भाई साहब तो मुझे आता, अगर सामने वाला बैठा कंपनी का होल्डिंग बनना है कितना ऑप्शन है तीन पहला ऑप्शन उसके आधे ज्यादा शेयरिया लो सेकंड ऑप्शन आधे ज्यादा बोर्ड पे कंट्रोल को तीसरा ऑप्शन उसके होल्डिंग के होल्डिंग बन जाओ ये तीन में से किसी भी तरीके से बच्चों आप होल्डिंग बन सकते हो ओके सामने बच्चों कंपनी क्या होगी सब्सिडी और आप होंगे होल्डिंग अब देखो नालायक को अब देखो नालायक को अब बेटा इसमें ना बाकी बेटा मुझे होता है ये एसोसिएटेड कंपनी क्या होता है वोली ओन सब्सिडी बच्चों क्या होता है ये तो भाई साहब आपने कंपनी लॉ में जो पढ़ा होगा देखो यार अगर देखो आपके पास सामने वाले कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर तो आप होल्डिंग कंपनी हो होता और वही अगर कौन बताया मुझे आप एसोसिएटेड कंपनी कब बनते हो बच्चों होल्डिंग के लिए मैंने क्या बताया अगर आपके पास सामने वाले कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर सिक्सटी परसेंट शेयर है सेवनटी परसेंट शेयर एटी परसेंट शेयर तो आप बन जाओगे होल्डिंग ओके और वही बच्चों अगर आपके पास सेवेंटी परसेंट क्या 80 परसेंट क्या या 90 परसेंट क्या अगर आपके पास सामने वाले कंपनी के 100 परसेंट शेयर है अगर भाई साहब आपके पास सामने वाले कंपनी के 100 परसेंट शेयर है तो आप कहलाओगे वोली ओल्ड होल्डिंग आप बच्चों को ने वोली ओल्ड होल्डिंग होल्डिंग और सामने बच्चों कंपनी क्या होगी वोली ओन सब्सिडरी झिपा नालाय को अगर ए के पास बी के 75 परसेंट शेयर है तो ए होगा होल्डिंग और बी होगा सब्सिडी अगर ए के पास बी के सबके सब, सब शेयर है तो बी बेटा क्या होगा ऐसी है जिसके सारे के सारे के शेयर होल्डिंग के पास है और वही बच्चों अगर ए के पास, B के, B के पास बच्चो बच्चो बी के बी सब परसेंट शेयर है अगर ए के पास बच्चों बी के मोर देन ट्वेंटी परसेंट शेयर है ओके okay, तो आप कहलाओगे टे कंपनी ओके बेटा जी अगर बच्चों आपके पास एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर बच्चों आपके पास 20 से ज्यादा शेयर है आप कहलाओगे एसोसिएटेड कंपनी कहलाओगे मार मार के के ठीक है भाई साहब ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर है अब बच्चों ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो समझागा को अब इसके बाद जो बाकी बड़ा कंसेप्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंटर कंपनी होल्डिंग गुडविल कैपिटल रिजोर्व ये सारे बच्चों का कंसेप्ट सम से आपको बता दूंगा ठीक है अब भाई साहब अब मैं आपको बता जा रहा हूं कंसोल्टेशन का क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओके अब देखो को अब हम सबसे पहले पढ़ने, पढ़ने वाले इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है एकदम मार के बस एक काम करो बच्चे एक काम करो एक काम करो फटाफट बच्चों आप ये कंसेप्ट क्वेश्चन वन ध्यान से पढ़ो एकदम बेसिक क्वेश्चन बेटा जी इस बच्चों क्वेश्चन से आपके सारे बेटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कंसल्टेशन के इसको एकदम आराम से पढ़ो नाले काम करो इसका बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा चलो भाई साहब एक काम करो बेटा जी इसका बड़ा स्क्रीन शॉट निकालो भाई साहब तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा बच्चों इसका स्क्रीन शॉट निकाला डन, डन 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 अब बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट निकालो अरे मेन बुक नहीं बेटा हमारे नोट्स क्वेश्चन है थोड़ा अलग मैंने मॉडिफाई क्वेश्चन बेटा जी ये नोट्स के सेम बेटा क्वेश्चन थोड़ा मैंने मॉडिफाई किए का तो क्वेश्चन नहीं बैठा थोड़ा तो अलग क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन को मैंने ठीक है आप नोट्स को मत देखना अलग क्वेश्चन है चलो बेटा जब स्क्रीन को देखिए मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा तो मैंने और मॉडिफाई किया मेरे नोट्स के, के। चलो भाई साहब अब सबसे पहले आप क्वेश्चन वन को ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज प्लीज़ सम का पूरा डेटा बच्चों अच्छे से पढ़िए प्लीज़ जितना सम ध्यान से पढ़ोगे बच्चों उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा आपका

ठीक है सर, कैपिटल फिर सर जनरल रिजर्व दिया फिर सर जी दोनों का पीनल दिया फिर लोन फ्रॉम एस ए क्वेश्चन था सॉरी 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 बेटा जी बच्चों दो कंपनी ओके देखो बच्चों पहले क्या बोला सर दोनों के बच्चों बैलेंस शीट है दोनों का सबसे पहले शेयर कैपिटल है एच का सर दस लाख है एस का सर एच का सर दस लाख है एस का सर आठ लाख है फिर दोनों का बच्चों पीनल दिया फिर दोनों का बच्चों बिल पेबल दिया ठीक है सर फिर एसेट में क्या है मशीनरी है फर्नीचर है डेटर से शेयर सीन एस से और बिल रिसेबल है अब भाई साहब ये समझो पहले शेयर सीन एस का मतलब क्या है सर शेयर एस मतलब इन्वेस्टमेंट नालक बताओ ये इन्वेस्टमेंट किसके एसेट में दिख रहा है एच के एस के जरा एच, एच के देखो बच्चों बैलेंस शीट एच एसेट में सात लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या क्या, है क्या है एच के एसेट में सात लाख दिख रहा है क्या तो ढैंटर एंड कहना है से एच कंपनी ने एस के शेयर में सात लाख इन्वेस्ट किए तो कहना है से एच कंपनी ने एस के शेयर में सात लाख इन्वेस्ट किए किस इन्वेस्ट किए सर एच ने तो एच ने अगर इन्वेस्ट किया अगर एच ने अगर एस में सात लाख इन्वेस्ट किया अगर एच ने अगर इन्वेस्ट किया तो एच हमारी होल्डिंग कंपनी। ने अगर एच हमारी होल्डिंग कंपनी किसमें इन्वेस्ट किया सर एस में तो एस हमारी को सब्सिडरी कंपनी नालेकोर दोबारा बता रहा हूं एच ने अगर इन्वेस्ट किया तो एच हमारी होल्डिंग कंपनी तो जिसके बच्चों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखता है उसने इन्वेस्ट किया वो हमारा होल्डिंग है और जिसने जिसमें इन्वेस्ट किया वो सब्सिडी ठीक है सर फॉर फॉर होल्डिंग क्या बोला एच लिमिटेड परचेस सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर ऑफ एस सर एच ने एस के कितने शेयर के <coughs> अरे सर एच मतलब होल्डिंग ने अरे सर एच मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी के 75 परसेंट शेयर एक्वायर के क्या बातें है जनत कितने में एक्वायर के सात लाख में हमको पता इन्वेस्टमेंट सात लाख है तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 75 परसेंट शेयर एक्वायर किए ठीक है सर बाद में क्या है आपको बोला क्या है यू हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब नालायक ध्यान दो अब सब बच्चे एकदम पूरा फोकस करेंगे बेटा जी इस बच्चों एक ही बेटा क्वेश्चन से मैं सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतार दूंगा बेटा पहले मुझे बेटा पहले मुझे बताओ पहले मुझे आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाला क्या? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन बेटा अगर आपके पास होगा तो बेटा समझ में बेटा जी क्या नालायक आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाला क्या डन अब बच्चों मुझे सम को सॉल्व करना है अब बेटा सबसे पहले मुझे बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखो बच्चों ये कंसेप्ट क्या होता है बच्चों एच कंपनी ने एस कंपनी के 75 परसेंट से जरा शरक वर्क के तो एच क्या बन गया होल्डिंग <coughs> और एस क्या बन गया सब्सिडी बच्चों पहले लॉजिक समझो बच्चों पहले लसम की थीम समझो ट्राई डोंट अंडरस्टैंड लॉजिक बच्चों मान लो आज तारीख थर्टी फर्स्ट मार्च है आज ईयर का एंड है आज थर्टी फर्स्ट मार्च आज ईयर का एंड बच्चों ईयर एंड में क्या होता है ईयर एंड में क्या होता है होल्डिंग कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाएगी हाँ सर सब्सिडरी कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाएगी हा सर सर सबको बनाना पड़ता है सर सर ईयर के एड में एज पर कंपनी कंपनी टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर के एंड में क्या होगा एच कंपनी अपनी खुद की बनाएगी बैलेंस शीट एस कंपनी भी अपनी खुद की बनाएगी बैलेंस शीट ठीक है सर एचनी बनाई बैलेंस शीट और एस नी बनाई बैलेंस शीट अब क्या होता है आप सबको पता है बैलेंस शीट आपको क्या बताएगा फाइनेंशियल पोजिशन ईयर के एंड में अपनी कितनी फाइनेंशियल पोजिशन है वो आपको एच बताएगा सॉरी वो आपको बैलेंस शीट बताएगा अगर भाई साहब एच मतलब होल्डिंग को ये जानना है कि अपने टोटल ताकत कितने अगर एच मतलब होल्डिंग को ये जानना है कि अपने टोटल ताकत है तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी से होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपनी टोटल ताकत पहचानने के लिए होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपनी टोटल ताकत पहचानने के लिए होल्डिंग कंपनी क्या करेगी ईयर के एंड में अपनी खुद की बैलेंस शीट तो बनाएगी होल्डिंग कंपनी क्या करेगी ईयर के एंड में अपनी खुद की बैलेंस शीट तो बनाएगी और साथ में होल्डिंग कंपनी सब्सिडी का बैलेंस शीट बना के पचो ईयर के एंड में क्या होगा होल्डिंग कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट तो बनाएगी और साथ में होल्डिंग कंपनी अपनी और सब्सिडी की मिला के एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएगी जिसका नाम होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट झीपा क्या दोबारा बता रहा हूं होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेर ओके सर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के आधे ज्यादा शेरअवार ओके सर तो भाई साहब होल्डिंग कंपनी क्या है बड़ा भाई सब्सिडरी क्या है छोटा भाई होल्डिंग कंपनी क्या है बड़ा भाई सब्सिडरी क्या है छोटा भाई ईयर के एंड में होल्डिंग कंपनी क्या करेगी होल्डिंग कंपनी क्या करेगी सब्सिडरी को बुलाएगी बोलेगा छोटे इधर आजा अब मान लो मैं होल्डिंग कंपनी मैं बोला बोलता छोटे इधर आजा सब्सिडी बोलते बड़े क्या काम है तो होल्डिंग बोलता है देख भाई आज ईयर का एंड है इकतीस मार्च है खुशी का दिन है भाई ईयर का एंड है आज मैं अपनी खुद की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो सब्सिडी बोलता है तो बनाना बे मुझे क्यों बता रहा है तो होल्डिंग कंपनी बोलता है भाई देख मेरी ये इच्छा है मेरी ये इच्छा है मेरी इच्छा है कि ईयर के एंड में मैं अपनी खुद की बैलेंस शीट तो बनाऊं और बिल्कि मेरी ये इच्छा है कि अपनी दोनों की मिला के एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाओ क्योंकि मुझे अपना टोटल ताकत देखना है तो टोटल ताकत देखने के लिए ईयर के एंड में होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपनी खुद की बैलेंस शीट तो बनाएगी और सब्सिडरी का मिला के एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएगा जिसका नाम क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो ढेंटर एंड तो नालाय को मुझे बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है सर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है होल्डिंग कंपनी और कब बनाता है ईयर के एंड में ना जीपा का कौन बनाता है होल्डिंग कंपनी कब बनाएगा ईयर के एंड में सर कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिन बच्चों को कंसोलेशन अच्छे से आता है तो ठीक है बट जिनको अच्छे से नहीं आता है अब प्लीज सुनेंगे हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ आएगी बट दो तीन क्वेश्चन से ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा बच्चों में बनाना है क्या है कंबाइंड बैलेंस शीट तब मैं बताऊंगा स्टेप्स टू प्रिपेयर कंबाइंड बैलेंस शीट डेंटर एंड कंबाइंड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले शुरू करो एसेट से बेटा जी कंबाइंड बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे एसेट से तो ईयर के एंड में क्या होगा होल्डिंग कंपनी क्या करेगी होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने एसेट में के एसेट ऐड करेगी ईयर के एंड में क्या होगा होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने एसेट में सब्सिडी ऐड करेगी तो बच्चों स्टेप नंबर वन क्या एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने एसेट में सबसे ऐड करेगी अपने मशीन में इसका मशीन ऐड करेगी अपने फर्नीचर में इसका फर्नीचर ऐड करेगी अपने डेटर डेटर में उसका ऐड करेगी तो बच्चों एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट सर स्टेप नंबर वन क्या एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने एसेट में उस ट्राई करते सर सबसे पहले शुरू करते एसेट से सर एसेट में सबसे पहले क्या है मशीनरी बता बच्चों होल्डिंग के पास कितना मशीन है तीन लाख सब्सिडरी के पास दो अस्सी नालायक बता होल्डिंग के पास कितना मशीन है तीन अस्सी सब्सिडरी के पास नहीं नहीं तीन अस्सी जना तीन लाख और इसके बाद दो लाख दो अस्सी तो बच्चों होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने मशीन में इसका मशीन ऐड करेगी कितना 50 तो नालायक आपने स्टेप नंबर वन क्या बताया मैंने एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट तो मशीन मशीन ऐड किया फिर नेक्स्ट बच्चों क्या होगा होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने फर्नीचर में इसका फर्नीचर ऐड करेगी बच्चों होल्डिंग का कितना फर्नीचर है 50000 सब्सिडरी का 20000 होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने फर्नीचर में इसका फर्नीचर ऐड करेगी कितना आएगा? सत्तर हजार आएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नालायक नालायक को कोने? को करंट एसेट नेक्स्ट नालायक को कोने सर अपना करंट एसेट है। अब भाई साहब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? सर भाई साहब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अब नालायक मुझे होता होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने डेटर में इसका डेटर ऐड करेगी अब बच्चों होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने डेटर में इसके डेटर ऐड करेगी किसके सर होल्डिंग कंपनी ऐड करेगी बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है एसेट में एसेट ऐड मशीन में मशीन ऐड किया फर्नीचर फर्नीचर ऐड किया अब क्या करेंगे डेटर में डेटर ऐड करो कितना बच्चा आएगा तीन तीस प्लस आठ लाख होल्डिंग का डेटर तीन तीस और सब्सिडरी का आठ लाख दोनों मिला कितना आएगा ग्यारह लाख तीस सर कोई तकलीफ ना लायक उसमें एसेट में एसेट ऐड कर रहे हैं अरे क्या हो गया यह यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा। फिर बच्चों, होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने बिल बिल में उसका ऐड करके कुछ नालायक सर आप शेयर नहीं ले रहे सर शेयर का मतलब है यही तो इन्वेस्टमेंट है ना होल्डिंग में सब्सिडी में कितना इन्वेस्ट किया है सात लाख मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट तो बिल में बच्चों बिल ऐड करो बोलो होल्डिंग के पास कितना बिल है एक लाख और इसका कितना चालीसा जी कितना नाला का बताओ एक लाख चालीस कोई तकलीफ बच्चों तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया एसेट में एसेट ऐड किया एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बेटा जी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया एसेट में एसेट ऐड किया एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है सर अब सर लाइब्रेटी में सर जी लाइब्रिटी का रूल सुनो लाइबिटी का रूल क्या होता है लाइबिटी में लाइबिटी ऐड करो बच्चो रूल क्या है लाइबिटी में लाइबिटी ऐड करो एक्सेप्ट लाइबिटी में लाइबिटी ऐड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और पीएनल बच्चों लाइबिटी का रूल क्या है लाइबिटी में लाइबिटी ऐड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीएनएल ये तीन बातें सिर्फ किसकी आएगी होल्डिंग की किसकी नहीं आएगी सब्सिडी की नालायक को बताओ एसेट का रूल क्या था एसेट में एसेट एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फिर बेटा मुझे लाइब्रिटी का रूल क्या है लाइब्रिटी में लाइब्रिटी एड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजोर पीएनएल ये किसका होगा होल्डिंग का किसका होगा बच्चों सब्सिडी का लिखते बेटा जी बोलो बच्चों लाइब्रेटी में सबसे पहले क्या है शेयर कैपिटल किसका लेंगे दोनों का होल्डिंग का बोलो 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 किसका लेंगे शेयर कैपिटल सर आपने अभी बोला था शेयर कैपिटल जनरल रिजोर पीरल ये तीन बातें किसकी आएंगी होल्डिंग की तो शेयर कैपिटल होल्डिंग का कितना बचा आएगा दस लाख सॉरी उसको लिख आउटर कॉलम लिखते हैं नेक्स्ट बच्चों पीएनएल वो भी किसका होल्डिंग का आएगा कितना आएगा चार लाख शेयर कैपिटल पीएनएल किसका लिया होल्डिंग का किसका नहीं ले लेंगे दोनों का, का एड करो बिल्डिंग में कितना अस्सी हजार और यहां पर एक लाख चालीस हजार सब बिल पेबल होल्डिंग में कितना अस्सी हजार है और यहाँ पे एक लाख चालीस हजार कितना नालक बताओ सर दो लाख बीस हजार कोई तकलीफ इसमें कोई तकलीफ इसमें सबको झेपा बता बच्चों हम लोग बना कह रहे हैं कंसोल्टेटेड बैलेंस होल्डिंग कंपनी कब बनाता है ईयर के एंड में कौन बताएगा कंबाइंड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे एसेट से रूल क्या है एसेट में एसेट एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फिर जाओ लाइब्रिटी में रूल क्या है लाइबिटी लाइबिलिटी एड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल पेनल ये तीन बातें सिर्फ किसकी होल्डिंग किसकी नहीं सब्सिडी की हो गया बैलेंस शीट हा सर अब नालायक को मुझे बताओ आपने इस क्वेश्चन में से ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो बैलेंस शीट नहीं ली बताओ कौन कौन सी बातें बैलेंस शीट में सर एक तो देखिए हमने होल्डिंग के एसेट में से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया सर हमने बैलेंस शीट क्या नहीं लिया सर होल्डिंग के एसेट में से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया और सर सब्सिडरी में से क्या नहीं लिया सर सब्सिडरी में से शेयर कैपिटल पीएनएल नहीं लिया तो बच्चों जो बातें बैलेंस शीट में नहीं लिए वो सारी बातें आएंगी वर्किंग नोट में मैं दोबारा बता रहा हूं जो बातें बच्चों बैलेंस शीट नहीं लिए सारी बातें आएंगी वर्किंग नोट में आएंगी ठीक है नालाय एकदम चिल मार के चल के बेटा जी ये सारे बंद पहले शुरू हो गया सर। ओके सर। सर। सर सबसे पहले क्या किया -क्या? एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फिर बच्चों क्या -क्या? जनरेजर पिन किसका लिया होल्डिंग का किसका नहीं सब्सिडी का अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट सर वर्किंग नोट में क्या करोगे सर नोट में क्या करोगे देखो बच्चों जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करती है, प्लीज समझना, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करती है, तो होल्डिंग कंपनी के दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने सब्सिडी के शेयर लेके अच्छा किया छोड़ दो आवाज बहुत ही खराब जा रही है छोड़ दो बेटा जी तो भाई साहब होल्डिंग कंपनी बोल रहे होल्डिंग कंपनी बोल रहे कि भाई होल्डिंग कंपनी सोच रही है कि मैंने सब्सिडरी के शेयर लेके सही किया या गलत किया भाई साहब होल्डिंग कंपनी हमसे जवाब मांग रही है भाई साहब होल्डिंग कंपनी हमसे डिस्कस कर रही है भाई साहब होल्डिंग कंपनी आपको पूछ रहे अरे आप फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हो आपको ही पूछेगी ना भाई साहब होल्डिंग कंपनी बच्चों भाई साहब भाई साहब होल्डिंग बेटा कंपनी आपको पूछ रही है होल्डिंग बेटा कंपनी आपको पूछ रही है कि भाई सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया तो आप होल्डिंग को बोलोगे देख भाई अगर आपको जानना है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया इसके लिए आपको दो चाहिए। आप सबसे पहले यह बताओ कि होल्डिंग कंपनी सॉरी अब देखो आप होल्डिंग को क्या पूछ रहे हो सबसे पहले यह बता कि सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए आपने कितने पैसे दिए सबसे पहले यह बता कि सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए तूने कितने पैसे दिए और शेयर एक्वायर करके तुझे कितना मिला अगर होल्डिंग को यह जानना है कि सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा उसके लिए होल्डिंग को दो बातें कंपेयर करने पड़ेगी कितना दिया और कितना मिला सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए कितना दिया और सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके कितना मिला बट ऑबे जितना दिया जितना दिया उससे अगर ज्यादा मिलेगा तो हमें प्रॉफिट हुआ है और जितना दिया अगर उससे कम मिलेगा तो हमें लॉस हो रहा है बात समझा क्या तो वर्किंग नोट में हमारा सबसे मेन एम क्या है वर्किंग न... अभी देखो अभी ठीक है नालायक अभी ठीक है नालायक देखो अभी ठीक है देखो अभी ठीक है चेक करो अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है ओके 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 बफरिंग गया, बफरिंग है ठीक चिल मारो बफरिंग गया शुरू हो गए शुरू हो गए वो सिंबल डालना बफर का कैसे कमी नोगे थोड़ा सबर कर थोड़ा सबर करते जा रहे थोड़ा सा होता रहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई ठीक है तो डरने का नहीं डरने का नहीं मैं आपके साथ हूं नाउ लेटेस्ट अगेन आपको बता रहा था अगर होल्डिंग कंपनी को जानना है कि सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके उसे मुनाफा या फिर घाटा हुआ है उसके लिए होल्डिंग कंपनी तीन स्टेप फॉलो करेगी देखो नालय को वर्किंग नोट में हम बनाएंगे तीन स्टेप सर क्या स्टेप ओके सर फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप देखो बेटा मुझे बताओ सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से मुझे पहले बताओ सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से होल्डिंग ने कितने शेयर एक्वायर किए अरे सर होल्डिंग ने एक्वायर के पचहत्तर पचहत्तर इसका मतलब सर सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से पचहत्तर परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है मतलब सर पच्चीस परसेंट शेयर किसी और के पास है हा भाई हा पच्चीस परसेंट किसी और के पास है और एक बोलू जिसके पास पच्चीस परसेंट शेयर है बेटा मुझे बताओ उसके पास आधे से ज्यादा शेयर है या आधे से कम शेयर है मतलब बच्चों जिसके पास 25 परसेंट शेयर है उसका आधे से ज्यादा शेयर कम शेयर अरे सर उसके पास आधे से कम शेयर है तो जिसके पास आधे से कम शेयर है उसे हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी होल्डर क्या बोलते बच्चों माइनॉरिटी होल्डर बोलते तो नालायक को सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से तो नालायक को सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से पचहत्तर परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है तो पच्चीस परसेंट शेयर किसके पास है माइनॉरिटी के पास है तो ढेंटेड एंड नोट नंबर वन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे रेशो व्हाट इज अ रेशो ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ढेंटेड एंड नोट नंबर हम क्या निकालेंगे रेशो कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का आपस सॉरी होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी का आपस में क्या रेशो है भाई नोट नंबर बच्चों वन में हम रेशियो निकालेंगे ठीक है सर किसका रेशियो सर होल्डिंग और सुनो होल्डिंग कंपनी को यह जानना है सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके प्रॉफिट और फिर लॉस हुआ तो होल्डिंग को दो बातें बताना चाहिए शेयर एक्वायर करके प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कितना दिया और कितना मिला कोई बता सकता है सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए होल्डिंग ने कितना दिया बोलो चो सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए होल्डिंग ने कितना दिया अरे देखो ना सर सब्सिडी एक्वायर करने के होल्डिंग ने कितना सात लाख दिया ना अगर होल्डिंग ने सात लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो क्या ना इसे सब्सिडी के शेयर एक्वायर करने के लिए होल्डिंग, होल्डिंग ने सात लाख रुपए दिए हा सर सात लाख दिए अब मुझे जानना है क्या ये सात लाख देके कितना मिला अब मुझे जानना है क्या सात लाख तो दिए बट सात लाख देके कितना मिला अपने को कितना मिला वो जानना है अब बताओ कितने दिए सात लाख अब वो देके कितना मिला है? पहले बताओ किसको मिलेगा होल्डिंग को मिलेगा किसका मिलेगा सब्सिडी को क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के शेयर एक्वायर के हा सर आप होल्डिंग कंपनी के शेयर बेटा सब्सिडी के पास है तो क्या नाइ से अगर होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडी के शेयर है तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के मालिक है हा सर एज अ मालिक एज अ मालिक होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी का शेयर कैपिटल मिलेगा जनरल और रिजर्व मिलेगा और पीएनएल मिलेगा जेपा का नालाय को झेपा नालायक को तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हम होल्डिंग को बोलेंगे बधाई हो आप सब्सिडी कंपनी के मालिक बन चुके हो एज ए मालिक आपको सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल तो मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा पीएनएल और जनरल रिजर्व क्योंकि पीएनएल और रिजर्व पे किसका होता अधिकार ओनर का होता बच्चों अधिकार तो भाई साहब तो होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी का शेयर कैपिटल मिलेगा पीएनएल मिलेगा और रिजर्व मिलेगा क्या बात कर रहे हो हा सर किसको होल्डिंग को मिलेगा अब बताओ किसका मिलेगा सब्सिडी का जरा सब्सिडी की बताओ बच्चो बताओ सब्सिडी के पास कितना शेयर कैपिटल है आठ लाख सब्सिडी के पास कितना पीएनएल दो लाख नालक बताओ सब्सिडरी के पास कितना शेयर कैपिटल है? सर आठ लाख फिर बोलो सबसे बच्चों कितना बच्चों पीएनएल दो लाख क्या सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल और पीएनएल पूरा का पूरा दस लाख होल्डिंग को मिलेगा जैसे होल्डिंग बोलेगी भाई हम तो मालिक लोगे सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल हमारा उसका पीएनएल हमारा अब हम लोग दस लाख रुपए लेके चले जैसे सब होल्डिंग बोलेगी दस लाख लेके मैं चलता हूं अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना जैसे ऐसे होल्डिंग बोलेगी उसी टाइम पे आवाज आएगी रुक जाओ नालायक ये पूरा का पूरा दस लाख तुम लेके जा नहीं सकते होल्डिंग बोलते कौन है किसकी -किस इसकी जरूरत है कि जो होल्डिंग को रोके होल्डिंग को आवाज आती है बोलते है, भाई हमारी हिम्मत है हम तुमको रोक के दिखाएंगे होल्डिंग बोलते कौन है तुम जरा सामने तो आ जाओ जैसे वो सामने आते होल्डिंग बोलता है माइनॉरिटी तुम अरे माइनर बोलता हा भाई हम तो सामने कौन आके खड़ा हो गया माइनॉरिटी होल्डर तो माइनॉरिटी क्या बोलते बोले, होल्डिंग बोले नालायक होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के सब शेयर तेरे पास नहीं है सब्सिडी कंपनी के पचहत्तर परसेंट शेयर तेरे पास है तो पच्चीस परसेंट हमारे पास भी है ना तो सब्सिडी कंपनी के दो मालिक लोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी होल्डर सर सब्सिडी कंपनी के दो मालिक लोगे कौन है होल्डिंग और माइनॉरिटी होल्डर तो धान्ट इसका मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी के दो मालिक लोगे तो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल और पीएनएल भी बटेगा दो लोगों में तो नोट नंबर टू में क्या करेंगे बटवारा किसका शेयर कैपिटल और पीएनएल का किसमें बटेगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशो में पचहत्तर और पच्चीस जितने भी ओनर है जितने भी मालिक है उनमें बटना चाहिए नालायक का मुझे होता कितना शेयर कैपिटल आठ लाख उसका पचहत्तर परसेंट छ लाख पच्चीस परसेंट दो लाख पी एन एल दो लाख उसका पचहत्तर परसेंट डेढ़ लाख और पच्चीस परसेंट डेढ़ लाख पचास सॉरी पच्चीस परसेंट कितना हो गया पॉइंट फाइव लाख जी बात नालायक को सबको समझा कोई तकलीफ कोई तकलीफ ना भाई साहब मैंने क्या बोला बोलो बच्चों। होल्डिंग को निकालना क्या था सब्सिडरी कंपनी के शेयर लेके प्रॉफिट और लॉस तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सबसे पहले उसने क्या देखना चाहा? कितना दिया और कितना मिला दिया कितना था सात लाख अब होल्डिंग को निकालना है कितना मिला अब बताओ किसको मिलेगा होल्डिंग को किसका मिलेगा सब्सिडरी का क्या क्या मिलेगा शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीनल मिलेगा नहीं सर सर ये को मिलेगा तो भाई साहब इसमें से जो हिस्सा होल्डिंग को मिलेगा उसको हम बोलते इंटरसिक वैल्यू भाई साहब जो हिस्सा होल्डिंग को मिलेगा उसको बोलते इंटरसिक वैल्यू और जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिलेगा उसको बोलते हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट And, जो होल्डिंग को मिलेगा उसको बोलते वैल्यू और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं बैलेंस शीट कौन बना रहा है होल्डिंग बना रहा है आप बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेटे बोलूंग बेटे बोलूंगा जो बच्चे बोल रहे थोड़ा स्पीडअप कर लो बेटा स्पीडअप कर लो ओके बेटा एक रिक्वेस्ट है बेटा जी मुझे लेट मी टीच बाय माय स्पीड बेटा जी क्योंकि समझना बेटा जी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बड़े टॉपिक पहले पढ़ चुके बेटा जी राइट ना जो बच्चे बड़ा मुझसे बड़े टॉपिक बड़ा पढ़ चुके उनका बेस बेटा एकदम परफेक्ट बेटा जी तो यार आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा बेटा जी बट देर आर सम स्टूडेंट कि जो बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे बेटा मुझे ऐसे कितने बच्चे जो टॉपिक मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऐसे कितने बच्चे टॉपिक मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं पहले ठीक से इतना पढ़ाने कितने बच्चे से बताएंगे मुझे <laughs> देखो इतने सारे बच्चे बेटा जो फर्स्ट टाइम बेटा पढ़ रहे यार ठीक है ना तो बेटा एक बोलू की आपने सबको सब साथ लेके चलना यार सबसे सबको सबको साथ लेके चल रहा है देखा मेरा इंटरेस्ट बड़ा ये नहीं मैंने पहले बताया मैंने कैप्सूल बांटरेस्ट में वही बताया बेटा जी मैं कैप्सूल मैं ऐसा भी कराऊंगा कि टीचर आ गया कुछ तो रिवाइज करा के चला गया देखा ऐसे नहीं बेटा जी जब बेटा मैं समझ रहा अगर कैप्सूल बैठ के जब मैं मेरे दो घंटे दे रहा हूँ और जब आप जब बेटा आपके दो घंटे बच्चों दे रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा बेस्ट दूँ और मैं ये भी चाहता हूं बच्चों कि आपको बच्चों बेस्ट मिले कि जहां पे बच्चों देखो ये इतने सारे जो बच्चे जो दिन के 24 घंटों में से दो घंटा निकाल के जो मैं लेक्चर में आ चुके वर्थ लगना चाहिए जब दो घंटा खत्म होगा ना दे फील की वर्थ यार नहीं यार हमको समझा ये टीचर ने, ने पता क्या कुछ तो अच्छे से करा के जैसे लगना चाहिए बेटा जी ठीक है तो दे शुड फील वर्थ बेटा जी ठीक है चलो पिता बच्चों रिक्वेस्ट बेटा जी ओके तो प्लीज प्लीज कॉपरेट बेटा जी प्लीज कॉपरेट चलेगा यस yes. चलो भाई साहब को बैक टू टॉपिक दैट टॉपिक भाई साहब नोट नंबर टू में क्या बंटवारा क्या किसके से बंटवारा क्या है सर शेयर कैपिटल जर्नलिजर पीनल किसे बटेगा सर होल्डिंग और माइनॉरिटी जो हिस्सा होल्डिंग को मिलेगा उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू और भाई साहब जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिलेगा उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट भाई सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे कौन बताएगा ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है टू पॉइंट फाइव लाइक ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये किसका पैसा है सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका पैसा है माइनॉरिटी होल्डर का पैसा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका पैसा है सर माइनॉरिटी होल्डर का पैसा है ओके सर जी बेटा मुझे बताओ कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बना रहा है होल्डिंग बना रहा है होल्डिंग कंपनी क्या करेगा अपने एसेट में सबसे ऐड करेगा बेटा कंबाइंड बैलेंस शीट होल्डिंग बना रहा है अब देखो नोट नंबर टू में बंटवारा हो गया ये साढ़े सात लाख इंट्रेंस वैल्यू किसको मिलेगा होल्डिंग को मिलेगा ये ढाई लाख माइनर किस माइनोरिटी को मिलेगा जैसे ही माइनॉरिटी होल्डर बोलेंगे भाई साहब हम हमारे ढाई लाख लेके निकलते बड़ा माइनॉरिटी क्या बोलते कि भाई साहब हम हमारे ढाई लाख निकलते ठीक है बोलते भाई साहब ये ढाई लाख हमारे हम माइनॉरिटी होल्डर है हम हमारा ढाई लाख लेके निकल जाते हम माइनर बोले माइनॉरिटी होल्डर किधर चले किधर चले भाई हमारी कंपनी बंद किधर हो रही है तुम तुम्हारा स्टेक का निकाल के ऐसे जा नहीं सकते तो माइनॉरिटी होल्डर बोलते हैं भाई देख भाई देख ये ढाई लाख हमारे हैं ये हमारा पैसा है हम होल्डिंग को क्यों दे तो होल्डिंग बोलेगा होल्डिंग बोलेगा हे माइनॉरिटी होल्डर हे छोटे तू टेंशन मत ले तेरा जो ढाई लाख है तेरा जो पैसा है ये मेरी अमानत है मैं इसको अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर दूंगा माइनॉरिटी होल्डर तू टेंशन मत ले तेरा पैसा मेरे पास सलामत रहेगा अब बताओ ढाई लाख पैसा किसका था माइनॉरिटी होल्डर का था बट संभाल के कौन रख रहा है होल्डिंग कंपनी तो क्या ना से ये होल्डिंग की लाइबिटी किसी और का पैसा अपने घर पे रख रहे हो किसी और का पैसा अपने घर पर रख रहे हो अरे दिमाग पे तान आएगा ना बेटा जी आपको लाइबिटी फील होगी तो साहब माइनॉरिटी इंटरेस्ट पैसा है किसका माइनॉरिटी होल्डर का ओके okay, तो बच्चों ये पैसा संभाल के बच्चों कौन रखना बच्चों होल्डिंग कंपनी तो भाई साहब होल्डिंग के लिए ये कौन है माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो भाई साहब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंबाइंड बैलेंस शीट में जाएगा ये कंबाइंड बैलेंस शीट बच्ची जाएगा कहा पे जाएगा लाइब्रिटी में जाएगा तो ढैंड बच्चों बेटा मुझे बेटा मुझे आता, पैसा मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां कहा पे जाएगा कंबाइंड में जाएगा पर कहां जाएगा लाइब्रिटी में जाएगा कितना सर था सर ढाई लाख था ये यह इंटरेस्ट था ना ना फिर से निकाला किसका माइनॉरिटी का नोट नंबर रे। टू में क्या क्या बंटवारा क्या किस किस में? होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बांटा शेयर कैपिटल पीएनएल रिजर्व किसका बांटा होल्डिंग का किसका बांटा सर होल्डिंग का किसका बांटा सर सब्सिडी का बांटा सॉरी सर किस किस में बांटा सर होल्डिंग और माइनॉरिटी में इसमें से जो हिस्सा होल्डिंग को मिला उसे क्या बोलते इंट्रिंसिक वैल्यू और जो माइनॉरिटी को मिला उसको क्या बोलते माइंट्रेस बोलते अब नालायक को माइनो इंटरेस्ट में बैलेंस पोस्ट किया अब नोट नंबर तीन में क्या करेंगे सर नोट नंबर तीन में हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑप एक्विजिशन से सर ये क्या होता है बेटा मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करने के लिए कितने दिए बच्चों। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करने के लिए कितने दिए? दिए। लाख रुपए होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर करने के लिए अगर सात लाख ,00 रुपए दिए कहने से सात लाख ,00 ये होल्डिंग का एक्सपेंस है सात लाख रुपए दिए से सात लाख ये होल्डिंग का एक्सपेंस है लेकिन यार सात लाख खर्च करके होल्डिंग को कितना मिला साढ़े सात लाख मिला ना होल्डिंग को जो मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू वो होल्डिंग का इनकम है। अरे जेपा नाला को शेयर एक्वायर करने के लिए जो दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो खर्चा है और शेयर एक्वायर करके जो इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा वो इनकम है अब बच्चों इनकम को कंपेयर करो से इनकम को कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट या इनकम ज्यादा है है एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट होगा भाई साहब अगर आप पे प्रॉफिट होगा तो इससे हम लोग बोलते हैं बोलो क्या बोलते हो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट बहुत लॉस बोल सकता है प्रॉफिट बच्चों बच्चो, बच्चो, बच्चो होता है इससे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट होगा तब लोग बोलेंगे कैपिटल रिज़र्व और लॉस होगा तब लोग बोलेंगे गुडविल मतलब प्रॉफिट बोलेंगे कैपिटल रिज़र्व और लॉस गुडविल यहां पे क्या रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब कौन है तो कैपिटल रिज़र्व और प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रिटी में प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रिटी में किस नाम से बच्चों कैपिटल रिज़र्व के नाम से लॉस होता है तो लॉस कहां पर जाएगा बैलेंस शीट एसेट में विद द नेम ऑफ गुडविल एक बार बच्चों पोस्टिंग किया अब नालायक बैलेंस शीट टैली करो बोलो बच्चों लाइब्रिटी का सम कितना रहा है दस लाख प्लस चार लाख प्लस ढाई लाख प्लस पचास हजार प्लस दो बीस कितना सम आ रहा है बताओ बच्चों उन्नीस लाख बीस आ रहा है क्या अब नाले को एसेट का सम करो सम में सही करो ना कितना आ रहा है उन्नीस लाख बीस आ रहा है क्या क्या बात है जन्न 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 सर जी जितना सम एसेट आ रहा है उतना का आ रहा है जितना सम एसेट आ रहा है उतना का आ रहा है हो गया सर सम समय हो गया छिल मार के छिल मार के से रिवाइज करो दोस्तों रिवाइज करो दोस्तों बता बच्चों अब बेटा मैंने क्या बता दिया स्टेप्स टू प्रिपेयर बच्चों देखो अब बच्चे देखो हमें क्वेश्चन में क्या था होल्डिंग के बच्चे बैलेंस शीट दी थी सबसे बच्चों दी थी अब हमें बनाने क्या है कंसोल्ड बैलेंस शीट कौन बताएगा मुझे कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है सर कंबाइंड बैलेंस शीट होल्डिंग बनाता है कब बनाता है सर ईयर के एंड में बनाता है कैसे करेंगे सर स्टेप बताओ सर कंबाइंड बैलेंस बनाने के लिए बोलो बच्चों सब लोग बोलेंगे सबसे पहले स्टेप क्या मुझे याद नहीं बोलो 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 सबसे पहले शुरू कहां से क्या सर एसेट से शुरू किया क्या क्या सर एसेट में, में क्या क्या एसेट में गए लाइब्रिटी में गए भाई साहब लाइब्रेटी में क्या किया लाइब्रिटी में लाइब्रिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पिनल सेकंड स्टेप में क्या क्या लाइब्रिटी में लाइब्रिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व रिजोर्व ये किसका लेंगे होल्डिंग का किसका नहीं सब्सिडी का एक बार बच्चे बैलेंस शीट हो गया एसेट लिखा लाइब्रिटी अब नोट कितने बनाएंगे तीन नोट नंबर वन में क्या होता है प्रपोर्शन किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी का ये क्वेश्चन में दिया नालायक को नोट वन में क्या होता है प्रपोर्शन होल्डिंग और माइनॉरिटी का नोट नंबर टू में क्या होगा बंटवारा किसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में किसका सब्सिडरी का क्या शेयर कैपिटल जनरल रिज़र्व पीएनएल सब्सिडरी का शेयर कैपिटल जनरल रिज़र्व पीएनएल बटेगा किसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशो में सेवेंटी फॉर ट्वेंटी रेशो में इससे कितनी बातें मिलेंगी दो मिलाएंगे जो होल्डिंग को मिला है वो कोने, जो माइनॉरिटी होल्डर को मिला है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें से सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो बैलेंस लाइबिटी में आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्या लिखा माइनिटेडिस लिखा अब बचा कोने इंट्रिंसिक वैल्यू वो जाएगा नोट नंबर तीन में नोट नंबर तीन में हम कंपेयर करेंगे कितना पैसा मिला और कितना दिया जो मिला वो कोने इंट्रिंसिक वैल्यू जो मिला वो कोने इंट्रिंस वैल्यू और जो दिया वो कोने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मिला 7.5 लाख इंट्री वैल्यू और कितना दिया सात लाख वो कॉस्ट एक्विशन है दोनों का फर्क कितना बच्चों पचास हजार इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो हुआ है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ को कैपिटल रिज़र्व और वो जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में चिल मार के हो गया भैया जी पक्का क्या सबके दिल दिमाग में उतर गया बेटा जी अब बच्चों इसी सब में बच्चों ने और एक केस बनी केस वन था बच्चों, अब बच्चों टू। अब सब ना टू को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या फर्क है समझेंगे बेटा मैं आपको एक मिनट का समझ दे रहा हूं चला सब केस टू को आराम से पढ़ो दो अच्छे से पढ़ो ओके okay. कुछ फर्क समझा बच्चा कुछ फर्क समझा बेटा जी क्या बोला है देखो भाई साहब अब देखो भाई साहब आराम से देखो देखो ना यहां पर क्या बोला क्या ट्रिकी पॉइंट है बेटा केस टू में क्या बोला बाकी बच्चों बैलेंस शीट सेम है से बच्चे होल्डिंग के बच्चे बैलेंस शीट सबसे बाकी सब कुछ सेम है बेटा जी बेटा केस टू में क्या बोला है होल्डिंग कंपनी परचेज सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर फर्स्ट सब्सिडी फॉर्स लाख पता है सर सब्सिडी कंपनी के पचहत्तर परसेंट शेयर लिए कितने में सात लाख में सब पता है सर लेकिन शेयर कब लिए अरे सर थर्टी फर्स्ट जुलाई को लिए क्या बात कर रहे हो अरे हा मुन्ना हा नाला को तो ट्राई टू तो अंडरस्टैंड अब तक के सब में क्या था होल्डिंग <coughs> कंपनी ने सब्सिडी के शेयर एक्वायर किए थे होल्डिंग कंपनी ने के शेयर एक्वायर किए थे बट कब किए थे? थे। ईयर के एंड में एक्वायर किए अब हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के शेयर तो एक्वायर किए बट कब किए ईयर के बीच में तो क्या फर्क पड़ेगा अब सब बच्चे ध्यान सुनेंगे मान लो बच्चों, एक अप्रैल का शुरुआत है, मार्च ईयर का एंड है, है ठीक भाई दो हजार आठ वो ईयर का बच्चों ईयर का एंड कब हुआ था इकतीस मार्च दो हजार आठ को बच्चों ईयर का शुरुआत कब होगा एक अप्रैल दो हजार सात को मान लो बच्चों एक अप्रैल का शुरुआत हुआ था और 31 मार्च को ईयर का एंड हुआ था अब मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के कितने शेयर वर्ग मैं जो पूछूंगा सब बच्चे उसका प्रॉपर जवाब देंगे बेटा जी बेटा बिता मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के कितने शेयर एक्वायर किए सर होल्डिंग कंपनी ने सर सब्सिडी के 75 शेयर एक्वायर किए कब एक्वायर किए सर सर अभी 31 जुलाई को एक्वायर किए ईयर के बीच में हा सर हा तो जिस दिन जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने जिस दिन होल्डिंग कंपनी शेयर के उसे बोलते डेट टॉप एक्विजिशन जिस दिन होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर के वो क्या डेट टॉप एक्विजिशन तो मेरा पहला सवाल है होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर कब के ईयर के एंड में या ईयर के बीच में सर ईयर के बीच में एक्वायर किया फर्क क्या पड़ेगा सर सर आप के बीच में अगर एक्वायर कर रहे हो तो एक्विजिशन के पहले का समय कहा जाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड और के बाद का समय कहा जाएगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड अरे कुछ समझ में आ रहा है नालायक मैं दोबारा बता रहा हूं होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर कब के ईयर के बीच में एक्वायर किए ईयर के बच्चों बीच में अगर एक्वायर के एक्विजिशन के पहले का समय क्या होता है प्री एक्विजिशन समय और बाद का समय क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन समय अब जरा मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनना जो बताना चाहता हूं प्लीज प्लीज फोकस करेंगे सब लोग बेटा जी मुझे बताइए बेटा जी मुझे बताइए अभी, अभी कहानी प्लीज सुनना जो बता बच्चों एक बच्चों डायग्राम बच्चों बताऊंगा एकदम मस्त बच्चों छिल मार के सुना डायग्राम को ओके। एक अप्रैल, इकतीस मार्च और थर्टी फर्स्ट जुलाई ठीक है सर बेटा जी हुआ क्या बच्चों कहानी बच्चों कहानी बच्चों बता कहानी बच्चों बता रहा क्या हुआ क्या बच्चों बता रहा हुआ? भाई साहब कहानी बता रहा हूं थर्टी फर्स्ट जुलाई दो हजार आठ में क्या वो गलती से हो बेटा उसका लोड मत ले उसका लोड है है बेटा वो तू मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक इतना दिमाग को तान मत लो बेटा ठीक है अभी ध्यान सुना बच्चों बड़ा ऐसा होता है बड़ा एक्चुअल में क्या था कि तीन लोग थे बच्चो एक्चुअल में क्या था होल्डिंग कंपनी के शेयर सॉरी सॉरी एक्चुअल में क्या था सब्सिडरी कंपनी के शेयर तीन लोगों के पास थे बड़ा शुरुआत में मान लो बच्चों मान लो शुरुआत में सब्सिडरी कंपनी के तीन मालिक थे सब्सिडरी कंपनी के शेयर में से 40 परसेंट शेयर ए के पास थे 30 परसेंट शेयर बी के पास थे और 30 परसेंट शेयर सी के पास थे क्या बोल रहे हो सर हा मुन्ना हा सर सब्सिडी कंपनी के शेयर में से चालीस शेयर ए के पास थे तीस शेयर बी के पास थे और सर तीस परसेंट शेयर सी के पास थे यह ऐसे शुरुआत की कहानी से शुरुआत की कहानी थी सर से शुरुआत की कहानी थी सर अब हुआ क्या अब तारीख आई इकतीस जुलाई को इकतीस जुलाई को ऐसे आसमान में बिजली कड़की ऐसे आंधिया आने शुरू की इकतीस जुलाई को एकदम खता तारी थी बेटा जी और इकतीस जुलाई को एक महान आत्मा धरती पे बच्चों आई एक भाई साहब इटर्नल आया इटर्नल देखा ना तुम लोगों ने ओके okay, भाई साहब एक इटर्नल आया जिसका नाम था एच ओके okay, और एच क्या क्या? ने के क्या-क्या एच ने आके ए और बी से उनके शेयर खरीद लिए और एच बहुत ही शक्तिशाली एच बहुत ही पावरफुल बन गया भाई साहब शुरुआत में ए बी सी ये तीन लोग थे ए के पास सब्सिडी के 40% शेयर थे B के पास बच्चों तीस तक का बहुत खुशहाली थी ओके और उसी टाइम में इक्कीस जुलाई को एंट्री हुई एच की एच बहुत ही डेंजर था भाई साहब एच बहुत ही डेंजर था एच ने क्या किया ए से और बी से उनके शेयर छीन ले अखबार के आप एच के पास हो गए सत्तर परसेंट शेयर बट भाई साहब सी जो था ना उसने हिम्मत नहीं हारी सी ने अपने शेयर एच को नहीं दिए सी ने अपने शेयर अपने पास रखे तो नालायक मुझे बताओ इकतीस जुलाई के बाद सत्तर परसेंट शेयर किसके पास है एच के पास है 31 जुलाई के बाद 70 पैसे बड़ा एच के पास है तो भाई साहब अगर एच के पास अगर आधे से ज्यादा शेयर है तो एच कहा जाने लगा होल्डिंग कंपनी और सी के पास 30 परसेंट शेयर है आधे से कम शेयर है तो सी कहा जाने लगा माइनॉरिटी होल्डर झीपा का नालायको सी कहा जाने लगा माइनॉरिटी होल्डर क्या बात कर रहे हो यस सर यस सर अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो मेरे सवालों का जवाब दो दो ना अब सब बच्चे मेरे सवाल का जवाब देंगे बोलो 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 बताओ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर एक्वायर कब किए नाला होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर कब किए अरे सर होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर के इकतीस जुलाई को तो इकतीस जुलाई को ने सर डेट ऑफ एक्विजिशन है सर इकतीस जुलाई को ने डेट ऑफ एक्विजिशन है उसके पहले का समय क्या है प्री एक्विजिशन और उसके बाद का समय क्या है पोजीशन सर इकतीस जुलाई सर कौन है डेट ऑफ इक्वेशन है उसके पहले का समय सर कौन है प्री इक्वेशन है और उसके बाद का समय कौन है सर पोस्ट इक्वेशन है ओके सर जी सबको पता है सबको पता है सर ठीक है अरे मुझे पता ना लाइक तुमको क्या मुझे पता है ठीक है अब मेरा सवाल है मेरा सवाल है होल्डिंग कंपनी पिक्चर में कब आ रहा है होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी सॉरी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की भागदौड़ कब संभाली प्रिया पोस्ट में मेरा अगला सवाल है होल्डिंग कंपनी पिक्चर में कब आ रहा है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की भागदौड़ कब संभाली प्रिया पोस्ट में अरे सर पोस्ट में सर होल्डिंग कंपनी पिक्चर में कब आ रहा है पोस्ट में प्री में होल्डिंग था नहीं सर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी की बात कब संभाली पोस्ट में अब नालायक मुझे बताऊ माइनॉरिटी होल्डर मतलब माइनॉरिटी होल्डर मतलब सी कब था प्री में या पोस्ट में माइनॉरिटी होल्डर मतलब सी कब था प्री या पोस्ट में सी बोलता भाई साहब पहले भी हम थे और बाद में भी हम हम सब जगह मौजूद है तो सी क्या बोलता है? भाई हम प्री में भी थे और पोस्ट में। तो माइनॉरिटी होल्डर प्री में भी है और पोस्ट में भी है। समझ में आना को होल्डिंग कंपनी पिक्चर में कब आ रही है सिर्फ पोस्ट में आ रही है ठीक है सर माइनॉरिटी होल्डर कब है सब प्री में भी थे और पोस्ट में भी थे ठीक है सर समझा सर आगे बताओ सर, आगे बताओ मेरा अगला सवाल है अगला सवाल है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी की कमान कब संभाली होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी की कमान कब संभाली अरे सब बताए ना सर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी की कमान संभाली पोस्ट में इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने पोस में मेहनत किया हा सर होल्डिंग कंपनी ने पोस्ट के समय में सब्सिडी के लिए भयंकर मेहनत किया तो सर सब्सिडी कंपनी के लिए होल्डिंग ने मेहनत कब किया पोस्ट में सर होल्डिंग ने अगर पोस्ट में मेहनत किया तो क्या नई से होल्डिंग के लिए पोस्ट का जो मुनाफा है वो उसके लिए बेटा वो उसके लिए क्या है मेहनत का पैसा है दोबारा बता, दोबारा बता रहा हूं मान लो मान लो मान लो अब बच्चों बच्चों, भी रेडी बच्चों रेडी से मार्किंग, रेडी से मार्किंग मैं, बच्चों, इस पूरे साल भर में इस पूरे साल भर में सब्सिडरी कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाए इस पूरे साल में सब्सिडरी कुछ प्रॉफिट कमाए इसमें से बीस रुपए यहां पर कमाए और दस रुपए यहां पर कमाए सब पूरे साल में सब पूरे साल में सब्सिडी कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाए बीस सर पहले कमाए और दस दस बाद में कमाए अब बताओ इसमें से कौन सा प्रॉफिट होल्डिंग के लिए अपना है होल्डिंग क्या बोलेगी देखो सर पोस के समय में हम मालक थे पोस्ट के समय में हमने सब्सिडरी के लिए डिसीजन लिए हमने पोस्ट के समय में हमने सब्सिडरी के लिए काम किया पोस्ट का प्रॉफिट हमारा है सर हमारे मेहनत का प्रॉफिट है तो तो क्या सब्सिडरी कंपनी का जो पोस्ट का प्रॉफिट है वो होल्डिंग के लिए क्या है मेहनत का प्रॉफिट है उससे वो क्या बोलेगा रिवेन्यू प्रॉफिट बोलेगा उसको क्या बोलेगा रिवेन्यू प्रॉफिट बोलेगा लेकिन को प्री के समय में होल्डिंग कंपनी थी क्या लेकिन को प्री के समय में होल्डिंग कंपनी थी क्या नहीं ना, ना सर प्री के समय में होल्डिंग कंपनी नहीं थी तो होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगी ये सब्सिडी का जो प्री का प्रॉफिट है ना वो हमारे मेहनत का नहीं है हमने पोस्ट में काम किया है तो पोस्ट का प्रॉफिट हमारे मेहनत का है यह हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है पर समय में हमने मतलब होल्डिंग ने काम नहीं किया है तो होल्डिंग क्या बोलेगी ये मेरे लिए हराम का पैसा है ये मेरे मेहनत का पैसा नहीं है ये मेरा पैसा नहीं है तो ये उसके लिए क्या हो गया कैपिटल प्रॉफिट होगा समझा रखा जो पैसा आपने खून पसीने से आपने मेहनत से कमाए उसे बोलेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे और जो आपको फोकट का मिला है जो बिना मेहनत का मिला है उसे हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे जैसे मान लो नालायको तुमने एग्जाम में पेपर लिखा सो मार्क का और सौ में से तुमको स्कोर आया अस्सी मार्क सो में से तुमको अस्सी मार्क मिले बहुत खुश हो गए बहुत होंगे बेटा जैसे आपको अस्सी मार्क मिले दोस्त आपको पूछेगा भाई अस्सी मार्क कैसे आगे आप बोलोगे देख भाई किसको बताना मत किस को बताना मत। भाई मैंने क्या, मैंने क्या सत्तर मार्क अपने मेहनत से किए थे मैंने बहुत पढ़ाई भी किया था भाई पढ़ाई भी किया था सत्तर मार्क मैंने खुद सॉल्व किया था मेरी मेहनत का है मैं। लेकिन मैंने दस मार्क के लिए क्या किया मेरे बाजू में ना एक सुंदर सी कन्या थी मेरे बाजू में सुंदर कन्या थी वो कन्या सुंदर भी थी और एकदम होशियार भी थी मैंने क्या किया उसके पेपर में झाका और उसके पेपर में झाक के मैंने दस मार्क का वहां से कॉपी किया वहां से छापा मैंने दोस्त बोलते क्या बात है भाई तू तो भयंकर कमेंट निकला रे अब बोलते भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर हमको सीएस से प्यार भी है और भाई साहब आईसीआई के साथ वॉर भी है। सब कुछ जायज है जाए, जाए। तुम मत करना को मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना एग्जाम्पल देना लाए को ठीक है ना, ना? ना तुम ऐसे चीटिंग मत करना ओके भाई साहब तो बच्चों जाता हूं अस्सी मार्क में से आपके मेहनत के मार्क कितने सत्तर है अरे सत्तर मार्क आपके मेहनत के तो सत्तर आपके लिए क्या है रेवेन्यू प्रॉफिट है अब बताओ वो दस मार्ग आपके मेहनत के या सुंदर कन्या के मेहनत के अरे उस कन्या के मेहनत के नाला तो कॉपी किया है? है ना तो ये आपके लिए क्या है कैपिटल प्रॉफिट है खत्म तो जो आपने मेहनत से मिला वो रिव्यून और जो फोकट का मिला किसी और का लिया वो क्या होगा कैपिटल होगा तो ढैंड सबको झेपा ना झेपा को

पोस में मेहनत की थी सर सर पोस्ट का पैसा पोस्ट का प्रॉफिट उसके लिए रिवेन्यू उसने प्री में मेहनत की थी क्या नहीं सर प्री का पैसा उसके लिए क्या, क्या है कैपिटल है का पैसा उसके लिए है। और प्री का पैसा उसके लिए क्या, क्या है कैपिटल है ठीक है और माइनॉरिटी होल्डर कब था प्री में भी था और पोस्ट में भी था वो बोलता हम पहले भी थे और बाद में थे सब कुछ हमारा छे ठीक है कोई तकलीफ भाई साहब कोई तकलीफ भाई साहब इतना झेपा नालायको आपको चलिए ये सबको झेपा नालायको सबको झेपा यस यस अगर ये बच्चों का झेपा होगा अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटा जी सर जरा क्वेश्चन बता अच्छे से ओके <coughs> okay. अब देखो बच्चों भाई साहब हम यही क्वेश्चन पूरा करें यही क्वेश्चन पूरा करेंगे बच्चों से हम केश टू बच्चों से हम केश टू करें सर से हम केश टू करेंगे में क्या दिया था होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के कितने शेयर किए सर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के पचहत्तर पचहत्तर शेयर किए ठीक है ओके okay. भाई साहब क्या बोला भाई साहब क्या बोला देखो भाई साहब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के पचहत्तर कितने में के सर लाख में बट एक्वास जुलाई को अगर शेयर सर इक्त जुलाई के सर तो सर अगर इक्कीस जुलाई ईयर के बीच में एक्वायर किए तो ये सम किसका है प्री और पोस्ट का सर ये सम किसका है सर प्री और पोस्ट का समय ठीक है सर अब ये क्वेश्चन हम करने जा रहे विद द प्री और पोस्ट पूरा फिर से करेंगे अगेन बताओ अब हमको बनाना क्या कंसोल बैलेंस शीट मुझे दोबारा बताओ बच्चों मुझे है कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता अरे सर कंबाइंड बैलेंस शीट सर होल्डिंग बनाता बनाता है है कब सर ईयर के एंड में नालाक बताओ कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है होल्डिंग बनाता है कब ईयर के एंड में तो ईयर के एंड में होल्डिंग क्या करेगा अपने एसेट में सबसे एसेट ऐड करेगा ठीक है सर ठीक है सर लेटर्स प्रिपेयर कंबाइन बैलेंस शीट कौन बताएगा कंबाइन बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे अरे सर एसेट से रूल बोलो एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट सर रूल क्या है एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट तो होल्डिंग क्या करेगा अपने मशीन में इसका मशीन ऐड करेगा अपने फर्नीचर में इसका फर्नीचर ऐड करेगा अपने डेटर में उसका डेटर ऐड करेगा अपने बिल में उसका बिल ऐड करेगा एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट अब चले बच्चों. मशीन कितना है? तीन लाख और दो अस्सी <coughs> मशीन कितना है सर तीन लाख और दो अस्सी मशीन सर तीन लाख और दो अस्सी दोनों का सम कितना है पांच अस्सी सर फर्नीचर कितना है सर पचास हजार और बीस हजार दोनों का सम सत्तर हजार मशीन में मशीन ऐड किया फर्नीचर फर्नीचर ऐड किया फिर से क्या करेंगे सर सर डेटर में डेटर सॉरी डेटर में डेटर डेटर कितना है सर तीन तीस और तीन तीस और आठ लाख सर डेटर डेटा ऐड कितना सा आएगा ग्यारह लाख तीस सर फिर से क्या करेंगे सर बिल में बिल ऐड करो कितना से बिल सर सर एक लाख और चालीस सर नालायक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं फर्स्ट हमने क्या किया एसिड मैसेड अभी सारे बच्चों सारे बच्चों स्टेप आपके दिमाग में छप गए okay? okay, भाई साहब हम, हम क्या करेंगे एसेट मैसेड ऐड करो एक्सेप्ट ऑसेट मैसेड ऐड करो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है बेटा जी अब लाइब्रेटी में क्या करेंगे लाइब्रिटी में लाइब्रिटी ऐड करो लाइब्रेटी में लाइब्रिटी करो ओके okay. भाई साहब लाइब्रेटी में लाइब्रेटी ऐड करो एक्सेप्ट लाइब्रेट लाइब्रेटी ऐड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीनल से क्या करेंगे लाइब्रेट लाइब्रेटी ऐड करो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और पीनल वो किसका लेंगे सर होल्डिंग का किसका नहीं सर सब्सिडी का किसका लेंगे सर होल्डिंग का किसका नहीं सर सब्सिडी का ठीक है सर लाइब्रेटी लाइब्रेटी ऐड करो सर सर सबसे पहले क्या होगा शेयर कैपिटल किसका होल्डिंग का फिर पी एन एल किसका होल्डिंग का सर शेयर कैपिटल होल्डिंग का सर शेयर कैपिटल होल्डिंग का लीजिए इसको लिखता आउटर कॉलम लिखते सब पीएनएल भी किसका सर अरे क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं सर शेयर कैपिटल होल्डिंग का सब पीनर भी किसका होल्डिंग का उसको इनर कॉलम लिखो क्यों मैं आगे बताऊंगा ठीक सर फिर सर बिल्स पेबल दोनों का सब बिल्स पेबल दोनों का सब बिल पेबल दोनों का अस्सी हजार और एक चालीस ठीक है सर एकदम इजी, एकदम इजी सर हमको आता है सर ये, ठीक है सर हमने सबसे सब पहले क्या कि किया सर एसेट में एसेट ऐड किया एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट ओके फिर भाई साहब हमने क्या फिर भाई साहब ने क्या किया लाइब्रिटी में लाइब्रिटी ऐड किया फिर हमने क्या, क्या? Liability, liability किया लाइब्रिटी लाइब्रिटी ऐड किया एक्सेप्ट लाइब्रेटी लाइब्रिटी ऐड किया एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरेजर पिन ये सब किसका सर होल्डिंग का किसका नहीं सर सब्सिडरी का ठीक है सर अब हम क्या करेंगे अरे सर अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नाला को नॉर्मल सम में हम तीन नोट बनाते हैं जब भी सम आएगा प्री और पोस्ट का हम बनाएंगे पांच नोट नॉर्मल सम में हम नोट, जब भी सम आता है। प्री और, और, और बताओ आपने कैसे पहचाना मुझे नहीं आता है मुझे नहीं आता आप बताओ मेरा अकाउंट बहुत वीक है बेटा मेरा अकाउंट भयंकर वीक है क्या करूं मेरा अकाउंट बहुत वीक है बोलो लोग ये सब सम नॉर्मल समय या प्री और पोस्ट का और कैसे पहचाना सर कितना सिंपल है सर अगर आपने शेयर एक्वायर के अगर होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर के ईयर के एंड में अगर सर होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर के ईयर के एंड में तो नॉर्मल समय और होल्डिंग कंपनी अगर शेयर एक्वायर के ईयर के बीच में अगर होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर के ईयर के बीच में तो सम किसका होगा प्री और पोस्ट का तो यहां पे होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर कब किए थे ईयर के बीच में होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर कब किए थर्टी जुलाई को तो सम किसका प्री और पोस्ट का सर थर्टी जुलाई को ने, डेट ऑफ एक्विशन का समय क्या होगा प्री और बात का समय क्या मतलब सर जी ये सम किसका है प्री और पोस्ट का है क्या बात कर रहे हो हाँ सर तो प्री और पोस्ट के सब में नोट कितने आएंगे तीन या पांच अरे पांच नोट आएंगे बिंदास करो सब पांच नोट आएंगे ठीक है बेटा जी जो बच्चे बच्चे रेगुलर बैच पढ़ चुके बेटा जी जो बेटा अपने लाइव बैच के बच्चे या जो पेन ड्राइव वाले बच्चे या गूगल बच्चे ड्राइव के बच्चे भाई साहब रेगुलर क्लास में ऐसे मैंने दिल देने बिटा दिया दे था भाई साहब गया था बच्चा कितने से क्वेश्चन किए थे इस नालाय को ये सारे बच्चे तो बेटा जी आप नींद में भी आप कभी भूल नहीं पाओगे रेगुलर क्लास वाले याद है क्या कितने सारे क्वेश्चन करवाए थे ओके बेटा जी ओके बेटा जी अब नोट कितने आएंगे पांच बोलो 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 नोट ऑन में क्या होगा अब सुनो रेगुलर क्लास वाले बोलेंगे रेगुलर वाले बोलेंगे और यूट्यूब वाले सुनेंगे और देखेंगे रेगुलर वाले बोलेंगे और यूट्यूब वाले सुनेंगे और देखेंगे बोलो चो नोट कितने होते हैं पांच बोलो नोट कितने होते हैं सर पांच बोलो साहब नोट वन में क्या होता है सर नोट वन में क्या होता है रेशो किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी सर नोट वन में क्या होगा रेशो किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी नोट नंबर टू में क्या होगा प्री एंड पोस्ट जी आर नोट नंबर टू में क्या आता है प्री एंड पोस्ट जी आर नोट नंबर तीन में क्या आता है प्री एंड पोस्ट पी एन एल नोट नंबर चार में क्या होगा बटवारा किसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में नोट नंबर चार में क्या होगा बटवारा किसमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में और नोट नंबर पांच से क्या मिलेगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व नाला बताओ नोट कितने होते पांच सब लोग बोलेंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे या इसके पहले पढ़े सब लोग बोलेंगे नोट कितने होते पांच बोलो बोलो नोट नंबर वन में रेशो सिर्फ बोलो मैं समसे बता दूंगा अच्छे सम से बता दूंगा नोट नंबर वन में रेशो नोट नंबर टू में प्री वाला जी और पोस्ट वाला जी नोट नंबर वन में रेशो नोट नंबर टू में प्री वाला जी एंड पोस्ट वाला जी नोट नंबर तीन में प्री वाला पीएनएल एंड पोस्ट वाला पेनल नोट नंबर चार में क्या होगा बंटवारा नोट नंबर चार में क्या होगा बंटवारा किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में और नोट नंबर पांच में हम लोग क्या निकालेंगे प्रॉफिट अपीयर लॉस गुडविल है कैपिटल रिजर्व ठीक है सर ठीक है सर थोड़ा बहुत समझा सर अब इसे सम सॉल्व करो आपको अच्छे समझेगा नोट वन में रेशो किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी का पहले मुझे सब्सिडरी के शेयर में से कितने शेयर होल्डिंग के पास है अरे सर सब्सिडरी के शेयर में से पचहत्तर होल्डिंग के पास है सर सब्सिडरी के शेयर में से पचास परसेंट होल्डिंग के पास है और सर पच्चीस परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है कहा अरे सब में दिया सर सब में दिया सर सर सेवन शेयर होल्डिंग के पास है और ट्वेंटी के पास दिया नोट नंबर वन में रेशियो हो गया आप नोट नंबर टू में क्या करेंगे प्री वाला जीआर और पोस्ट वाला जीआर ऐसे क्यों क्या सर पहले क्यों नहीं क्या था अरे भाई साहब पिछले क्वेश्चन में, में आप क्या कर रहे थे याद बच्चों पिछले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे नोट नंबर टू में नोट नंबर टू में आपने बंटवारा क्या यार बेटा जी पिछले समय क्या किया नोट नंबर टू में बंटवारा किया था क्या क्या बांटा था आपने शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और पीएल सब पिछले समय नोट नंबर टू में क्या क्या था बंटवारा क्या था किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बटा था शेयर कैपिटल जनरल किस किस का सब्सिडरी का सब फिर अभी क्या फर्क पड़ा बच्चों अभी फर्क यह है कि सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व में से हमको यह पता चला कि भाई साहब सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व में से सब्सिडरी कंपनी ने कुछ रिजोर सब्सिडरी कंपनी रिजोर में से सब्सिडरी कंपनी कुछ रिजोर प्री में कमाया है और कुछ पोस्ट में कमाया सब्सिडरी कंपनी के पीएनएल में से कुछ पीएनएल उसने प्री में कमाया और कुछ उसने पोस्ट में कमाया देखो नालाय को अभी हमको क्या पता चला है अभी हमको एक परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है हमको क्या पता चला कि भाई साहब सब्सिडी कंपनी के पीएनएल में से सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट उसने प्री में कमाया और कुछ उसने पोस्ट में कमाया सब्सिडी कंपनी के रिजर्व में से कुछ उसने प्री में कमाया और कुछ उसने पोस्ट में कमाया क्या बात कर रहे सर सर क्या फर्क पड़ेगा सर उससे अरे बेटा जी फर्क ये पड़ेगा देखो माइनॉरिटी होल्डर तो प्री और पोस्ट दोनों में थे तो माइनॉरिटी होल्डर को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा माइनोरिटी क्या होता है मुझे प्री का दो या पोस्ट का दो क्या फर्क पड़ रहा है मैं पहले भी था और बाद में था बट फर्क पड़ता है होल्डिंग को होल्डिंग क्या बोलता है मैं पोस्ट में था होल्डिंग क्या बोलता है मैं पोस्ट में था तो पोस्ट की बातें मेरे लिए रिव्यून मेरे लिए अपनी बातें और प्री की बातें मेरे लिए पराई बातें मेरे लिए कैपिटल है तो होल्डिंग के लिए प्री अलग होता है और पोस्ट अलग होता है तो होल्डिंग बोलता है भाई मेरे को प्री अलग करके दो पोस्ट अलग कर दो मैं पोस्ट को अपना बोलूंगा रिव्यू बोलूंगा और पी को मैं पराया बोलूंगा कैपिटल बोलूंगा इसके लिए भाई साहब आपको सबसे पहले जनरल रिजर्व और पीएनएल को प्री पोस्ट में बांटना पड़ेगा लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हम क्या किया क्यों किया प्री पोस्ट के बच्चों सब में होल्डिंग के लिए प्री अलग चीज होती है और पोस्ट होती है इसके लिए आपको सबसे पहले नोट नंबर टू में जीआर को प्री पोस्ट में बांटना पड़ेगा नोट नंबर तीन में पीएनएल को प्री पोस्ट में बांटना पड़ेगा ठीक है सर आपकी बात मान लेते सर बोल भाई साहब नोट थे कितने पांच नोट वन में क्या था रीशो किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी का नोट नंबर टू में क्या है जीआर को बांटो प्री और पोस्ट में जरा बैलेंस शीट देखो कहीं पे जीआर है क्या आर एस सर यहां पे कहीं पे जन्नो हेच नहीं क्या बात है जन्नत जी आर हेच नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं बेटा जी तो प्री वाला जी आर कितना आएगा जीरो और पोस्ट वाला जी आर जीरो जी आर है तो बंटवारा नहीं होगा ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी ना रहेगा जी आर ना होगा बंटवारा ठीक है सर अब सर हम बांटेंगे पीएनएल अब मुझे बताओ पीएनएल किसका बांटना है सब्सिडरी का सर पीएनएल किसका बांटना है सब्सिडी का बांटना है कैसे जो लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ध्यान सुनो नोट नंबर तीन में हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा टाइम डायग्राम नोट नंबर तीन में हम बने टाइम डायग्राम सर इसमें सर तीन समय शो करेंगे ईयर का शुरुआत ईयर का एंड और डेट ऑफ एक्विजिशन। इकतीस जुलाई था ना हाँ सर इसमें हम शो करेंगे तीन समय ईयर का शुरुआत ईयर का एंड और डेट ऑफ एक्विजिशन बोलो एक्विजिशन कब किया था इकतीस जुलाई को उसके पहले का समय क्या प्री उसके बाद का पोस्ट। कौन बता प्री में कितने महीने अप्रैल जून जुलाई अप्रैल जून जुलाई सर प्री में सर चार महीने हैं और सर पोस में आठ महीने ठीक है सर ध्यान सुनो बच्चों नोट नंबर तीन में क्या करना था सर नोट नंबर तीन में पिनल को बांटना था नोट नंबर तीन में सर क्या करना था सर नोट नंबर तीन में पीनल को बांटना था किस में सर प्री और पोस्ट में सर नोट नंबर तीन में पीनल को बांटना था किस में सर प्री और पोस्ट में उसके लिए क्या ड्रॉ क्या टाइम डायग्राम तीन समय शो के ईयर का शुरुआत ईयर का एंड और डेट ऑफ एक्वेशन तीन समय शो के सर ठीक है सर प्री में आ गए चार महीना पोस्ट में आ गए आठ महीना अब नालक बताओ किसका पिनल बांटना है सब्सिडरी का अब सब बच्चे सब्सिडरी का बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे। बताओ सब्सिडरी के पीनल के बारे में क्या बोला है सर बैलेंस शीट में सब्सिडरी का कितना पीनल है? दो लाख दिमाग में रखो बैलेंस शीट में कितना पीनल है? दो लाख और रिगार्डिंग पीनल और कुछ दिया है क्या सर यहां पे दिया ना सर यहां पर दिया है। प्रॉफिट ऑफ़ एस ऑन फर्स्ट अप्रैल अस्सी हजार है एक अप्रैल को एस के पास कितना प्रॉफिट था अस्सी हजार था ठीक है सर बैक टू नोट नंबर तीन बच्चों नोट नंबर तीन में हमें क्या बांटना है पीएनएल किसमें प्री और पोस्ट में किसका बांटना है पीएनएल सब्सिडी का हम जब सब्सिडी के बैलेंस शीट में गए हमको दिया कि सब्सिडरी के बैलेंस शीट में कितना पीनल अरे सर सब्सिडरी के बैलेंस शीट में कितना पीनल है? दो लाख बड़ा कब का होगा अरे बैलेंस शीट कब बनती है थर्टी फर्स्ट मार्च को बैलेंस शीट कब बनती है थर्टी फर्स्ट मार्च को तो बैलेंस शीट में जो पीनल दिया है वो किसका होगा थर्टी फर्स्ट मार्च का हा या ना शीट कब बनते थर्टी फर्स्ट मार्च को तो बैलेंस दिया है वो कब का थर्टी फर्स्ट मार्च का होगा ठीक है सर इसके लिए और कुछ दिया दिया ना सर वो नोट में दिया ना सर क्या दिया है सर सर अप्रैल को कितना पीएनएल अस्सी हजार तो सर पीएनएल का थर्टी फर्स्ट मार्च का बैलेंस दिया अप्रैल का दिया और एक अब सर कैसे करेंगे प्लीज फोकस करो अब मुझे निकाला प्री और पोस्ट प्री मतलब क्या है? इकतीस जुलाई तक प्री मतलब क्या है इकतीस जुलाई तक वो प्री है और इकतीस जुलाई के बाद का पोस्ट ठीक है सर अब हम बनाएंगे ये चार्ट बता बच्चों शुरुआत में कितना प्रॉफिट था अस्सी हजार एंड में कितना है दो लाख सर शुरुआत में कितना है अस्सी हजार एंड में कितना है दो लाख कौन बताएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग कितना है लाख बीस कैसे क्या सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैसे क्या सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सर शुरुआत में कितना है सर अस्सी हजार है एंड में कितना है दो के. बेटा मुझे बताओ बेटा मुझे बताओ प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कितना एक लाख बीस हर कैसे क्या सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सर प्रॉफिट ड्यूरिंग एक लाख बीस है ठीक है सर एक लाख बीस हजार ड्यूरिंग ईयर है अब भाई साहब ये पूरे साल का है सर शुरुआत में सर अस्सी हजार है एंड में सर दो लाख सर शुरुआत में सर अस्सी हजार है एंड में सर दो लाख तो ड्यूरिंग ईयर कितना हो गया एक लाख बीस हजार क्लोज मैंने ओपनिंग अब इस एक लाख बीस हजार को बांटो चार महीने में और आठ महीने में अरे कुछ समझ में आ रहा है सर एक लाख बीस ड्यूरिंग ईयर है अब एक लाख बीस हजार को बांटो आप चार महीने में और आठ महीने में कितना अलग बताओ कितना चालीस हजार और अस्सी हजार चले अस्सी लाख बीस ड्यूरिंग ईयर है इसको बांटा चार महीने में और आठ महीने में कितना आएगा सर चालीस हजार अस्सी हजार आएगा ठीक है सर उससे कैन यू फाइंडा पी एन एल एंड पोस्ट वाला पीएनएल हा सर प्री मतलब कौन है इकतीस जुलाई तक प्री मतलब कोने जुलाई तक कैसे करेंगे सब प्री मतलब इकतीस जुलाई तक उसमें कौन आएगा शुरुआत का भी आएगा और चार महीने का भी आएगा प्री मतलब कौन है प्री मतलब कौन है इकतीस जुलाई तक मतलब उसमें शुरुआत का अस्सी हजार भी आएगा और चार महीने का चालीस पे कितना आएगा एक लाख बीस आएगा सब प्री मतलब को ने इकतीस जुलाई तक उस पर शुरुआत का असर अस्सी हजार भी आएगा और चार महीने का चालीस भी आएगा और पोस्ट मतलब क्या है अगले आठ महीने का वो आएगा अस्सी हजार बच्चों ये कैलकुलेशन मैं रिपीट करके बता रहा हूं एक बार रिपीट करके बता रहा हूं फोकस करो छिंको कन्फ्यूजन दो नोट नंबर तीन में क्या था पीन बांटना था प्री और पोस्ट में उसके लिए ड्रॉ किया टाइम डायग्राम ईयर का शुरुआत ईयर का एंड और डेट ऑफ एक्विजीशन पहले का समय प्री बाद का पोस्ट प्री में चार महीने पोस्ट में आठ महीने रिगार्डिंग पीने समय क्या दे इकतीस मार्च को कितना पीने ले दो लाख एक अप्रैल में कितना है अस्सी हजार है उससे कैन यू फाइंड प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर अरे स्टार्टिंग में सर अस्सी हजार था एंड में दो लाख था तो ड्यूरिंग ईयर कितना हो गया एक बीस ना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग शुरुआत में अस्सी था बाद में दो लाख हो गया तो साल में कितने से बढ़ गया एक बीस से वही तो मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर है साल भर का उसको बांटो चार और आठ के रेशियो में तो यहां पर आएगा चालीस और यहां पर आएगा अस्सी क्या यू फाइंड प्री वाला पीन पोस्ट वाला प्री मतलब क्या है इकतीस जुलाई तक शुरुआत के अस्सी हजार और बाद के चालीस शुरुआत के अस्सी और बाद के चालीस एक लाख बीस हजार वो प्री का है और अगले आठ महीने में कितना आएगा अस्सी हजार वो पोस्ट का आएगा शुरुआत के अस्सी और बाद के चालीस बोला एक लाख बीस हजार सर प्री का है और बाद के अस्सी पोस्ट के सबको जीपा नालय को कोई तकलीफ बेटा जीप हंटेड एंड नोट नंबर वन में क्या निकाला रेशियो नोट नंबर टू में क्या क्या प्री वाला जीआर प्री वाला पीएनएल सॉरी प्री वाला जीआर पोस्ट वाला जर नोट नंबर टू में थ्री में क्या क्या प्री वाला पीएनएल पोस्ट वाला पीएनएल अब नोट नंबर चार में क्या होगा बंटवारा सर नोट नंबर चार में होगा बंटवारा सर किस किस में नोट नंबर 4 में होगा बंटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में नोट नंबर चार में क्या होगा बंटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बटेगा शेयर कैपिटल प्री वाला पीनल पोस्ट वाला पीनल प्री वाला जीआर और पोस्टर किसका बटेगा <coughs> सब्सिडरी का बोन लाइको नोट नंबर चार में क्या होगा बंटवारा किस किस का बंटवारा होगा सर शेयर कैपिटल प्री वाला पीनल पोस्ट वाला पीनल प्री वाला जीआर जी आर ये बंटवारा होगा किसका सब्सिडी का जरा सब्सिडरी की बैल से बताओ सब्सिडी शेयर कैपिटल है सर सब्सिडी के पास कितना शेयर कैपिटल है बोलो भाई साहब सर सब्सिडरी के पास आठ लाख का शेयर कैपिटल है सर सब्सिडरी के पास आठ लाख का शेयर कैपिटल है ठीक है सर अब क्या ची? प्री वाला पीनल और पोस्ट वाला है ये कहा से मिलेगा नोट नंबर तीन से नोट नंबर तीन देख के बताओ प्री में कितना है एक बीस और पोस्ट में कितना अस्सी प्री में कितना ले? एक बीस और पोस्ट में कितना है अस्सी अब नालायक उसको बाटो क्या रेशो में बांटेंगे सेवनटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव कैसे बांटेंगे सेवनटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव बाटो बच्चो आठ लाख को बाटो सेवनटी फाइव ट्वेंटी फाइव में कितना आएगा छ लाख और दो लाख फिर एक बीस को बाटो सेवनटी फाइव ट्वेंटी फाइव में सबको रेशम बांटना आता है क्या नब्बे हजार और तीस हजार फिर अस्सी हजार को बाटो कितना आएगा सर साठ हजार और बीस हजार आएगा जीपात को कोई तकलीफ ना लायक कोई तकलीफ ना लायको आठ लाख को बाटा रेशो में कितना आएगा छ लाख और दो लाख एक बीस को बाटा कितना नब्बे हजार और तीस हजार को बाटा क्या रेशो में और अब सर इससे सर अभी नालायक तीन ध्यान सुनना अब इससे हमें तीन बातें मिलेंगी कितनी तीन बातें मिलेंगी जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिला है सब माइनॉरिटी के लिए प्री पोस्ट सब सेम ही सर सर जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिला है प्री का हो या पोस्ट का हो जो माइनॉरिटी होल्डर को मिला है उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट नालायक मैं दोबारा बता रहा हूं जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिला है भले वो प्री का हो या पोस्ट का है उसको हम बोलते माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते कितना आएगा सर ढाई लाख आएगा जो हिस्सा माइनॉरिटी होल्डर को मिला है फिर भले वो प्री का हो या पोस्ट का है। उसको बोलते माइंड्रेस बोलते हैं। सर होल्डिंग में सर होल्डिंग में प्री वाला अलग है और पोस्ट वाला अलग है सर होल्डिंग में जो प्री वाला मिला है उसको बोलो इंट्रेंसिक वैल्यू सर कितना मिला है छः लाख प्लस नब्बे सर होल्डिंग में जो प्री वाला मिलाए

प्री वाला जो पार्ट मिला है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू और जो पोस्ट वाला पार्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट में कॉमन सेंस की बात है होल्डिंग मुझे बताओ कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है बेटा मुझे बताओ कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है सर होल्डिंग बनाता है सर कंबाइंड बैलेंस शीट बनाता कौन है होल्डिंग बनाता है फिर मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी किसको अपना मानेगा बच्चों होल्डिंग कंपनी किसको अपना मानेगा प्रिया पोस्ट अरे पोस्ट को ना तो होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगा अरे में में मैंने मैंने काम है, पोस्ट काम किया किया है है तो जो पोस का जो पीएनएल है ये मेरा पीएनल होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगा ये पोस में मैंने काम किया है तो पोस का पीएनएल मेरे मेहनत का पीएनएल है तो पोस को क्या बोलेगा अपना बोलेगा तो इसको अपना समझ के अपने कंबाइंड बैलेंस शीट में लेके जाएगा ठीक है भाई साहब फिर से बता रहा हूं होल्डिंग ने काम कब किया पोस में होल्डिंग क्या बोलेगा पोस में मैंने काम किया पोस में मैंने काम किया तो पोस का पिनल मेरा है मेरा है इसको अपना बोल के वो अपने कंबाइंड बैलेंस शीट लेके जाएगा ठीक है नालायको अभी झेपा शीट में क्यों ले बैठा क्योंकि अपना है तो अपने को अपने बैलेंस लेके जाना पड़ेगा नालायक बताओ नोट नंबर चार में क्या क्या बंटवारा किया क्या क्या बांटा सर शेयर कैपिटल प्री वाला जी आर प्रीवाला पीएनएल पोस्ट वाला जी आर पोस्ट वाला पीएनल सर किस किस में बटेगा सर होल्डिंग और माइनॉरिटी में इससे किससे कितनी बातें मिलेगी सर इसे तीन बातें मिलेंगी जो माइनॉरिटी को मिला है वो कोने माइनॉरिटी इंटरेस्ट है होल्डिंग में कितनी बातें दो सर होल्डिंग में जो प्री वाला मिला है उसे क्या बोलेंगे इंटरसिक वैल्यू और होल्डिंग में जो पोस्ट वाला मिला है वो जाएगा बैलेंस शीट में सर होल्डिंग में जो प्री वाला मिला है वो इंटरेस्ट वैल्यू सर सर होल्डिंग में जो पोस्ट वाला मिला है वो जाएगा बैलेंस शीट में अब इसके बच्चों पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले पोस्ट करो माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले क्या पोस्ट करो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो जाएगा बैलेंस लाइब्रेटी में सर कितना था रे वो कितना था मैं भूल गया अमाउंट ढाई लाख था ठीक है सबसे पहले पोस्ट करो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रेटी में वो ढाई लाख फिर सर ये तो गया फिर सर कौन जाएगा सर फिर जाएगा सर ये पोस्ट वाला पार्ट ये पोस्ट वाला पार्ट पर जाएगा बैलेंस शीट में पोस्ट वाला पीएनएल बैलेंस शीट के पीएल में ऐड होगा सर पोस्ट वाला पीएनएल बैलेंस शीट के पीएल में ऐड होगा अगर सर पोस्ट में यहाँ पे जीआर होता था सर पोस्ट में अगर सर जीआर होता पोस्ट का जीआर बैलेंस शीट के जीआर में जाता जेपानाला को पोस्ट वाला पार्ट जाएगा बैलेंस शीट पे पीएनएल ऐड होगा पीएनएल में

सबसे पहले सर माइनॉरिटी को पोस्ट किया ठीक है सर सब फिर हमने क्या क्या सर फिर हमने क्या किया सर फिर हमने क्या किया सर फिर सर पी एन एल को रखे पोस्ट वाला पड़ गया बैलेंस शीट में अब बचा को ने इंट्रेंसिक वैल्यू वो जाएगा नोट नंबर पांच में नोट नंबर पांच में इंट्रेंसिक वैल्यू को आप कंपेयर करो कॉस्ट एक्विजन से नोट नंबर पांच में इंट्रेंसिक वैल्यू को आप कंपेयर करो कॉस्ट एक्विशन से बोलो भाई साहब इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है सर छे नब्बे उसे कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ एक्विशन बेटा जी कितना पैसा इन्वेस्ट किया था सात लाख जो इन्वेस्ट किया था वही कौन था कॉस्ट एक्विशन था आपको पता मैंने बताया था शेयर एक्वायर करके जो इंट्रेंस वैल्यू मिला वो अपना इनकम है शेयर जो मिला वो इनकम है और उसको एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट पे है वो है बच्चों शेयर एक्वायर करके जो पैसा मिला अपना इनकम है और शेयर एक्वायर करने के लिए जो खर्चा हो गया वो एक्सपेंस है अब बच्चों इनकम को कंपेयर करो एक्सपेंस से कितना आएगा सर प्रॉफिट लॉस सर इनकम एक्सपेंस को लॉस आ रहा है सर लॉस को हम लोग बोलेंगे गुडविल लॉस को बोलेंगे गुडविल सर लॉस को बोलो गुडविल और ये गुडविल जाएगा बैलेंस शीट एसेट में ये गुडविल जाएगा बैलेंस शीट एसेट में जाएगा कितना गुडविल से दस सारे एसेट गुडविल दस सारे ध्यान रहे हो गया अब नालायक टैली को बैलेंस शीट टैली को बैलेंस शीट पता नालय को लाइब्रिटी का सम कितना बताओ बोलो लाइब्रिटी का सम कितना है दस लाख प्लस चार साठ प्लस ढाई लाख प्लस दो बीस कितना आएगा उन्नीस से तीस आ रहा है क्या लाइब्रिटी का सम आ रहा है अब नालायक को एसेट का सम करके बताओ महाराज सर uh मैच हो रहा है क्या बात है जन्ना जना जन्न मतलब इसका मतलब राज साहब को सही पढ़ा रहे बेटा जी भाई साहब बैलेंस टैली हो रही बेटा जी मतलब राज साहब को सही पढ़ा रहे सर एक बार शॉर्ट में रिवाइज करो बेटा पहले मुझे आता हूं अच्छा बच्चा भाई फोकस फोकस करो बच्चो बेटा मुझे आता बेटा मुझे आता बेटा मुझे आता बेटा मुझे आता हूँ बेटा मुझे चाहता है समय या प्रियर पोस्ट का समय बेटा मुझे ये सब नॉर्मल समय प्रियर पोस्ट का समय अरे सर ये प्री और पोस्ट समय सर कैसे पहचाना सर सर शेयर एक्वायर के ईयर के बीच में सर के बीच में क्या तो सम सब प्री और पोस्ट का है ना लाइक बताओ प्री और पोस्ट के सब में नोट कितने आएंगे सब प्री और सब में सर नोट आएंगे पाँच सबसे पहले शुरू करो बैलेंस शीट से एसेट में एसेट ऐड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फिर लाइब्रेट लाइब्रेट एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरेजर पिनर किसका सर होल्डिंग का किसका नहीं सर सब्सिडी का ये तो पार्ट

किसमें प्री और पुष में फिर नोट नंबर चार में क्या करेंगे बंटवारा सर नोट नंबर चार में क्या करेंगे बंटवारा किस किस में सर नोट नंबर चार में क्या करेंगे बंटवारा किस किस में सर होल्डिंग और माइनॉरिटी में सर क्या क्या बांटेंगे सर शेयर कैपिटल प्री वाला जीआर प्री वाला पीनल पोस्ट वाला जी और पोस्ट वाला पीनल बच्चों इससे कितनी बातें मिलेंगी सर तीन बातें मिलेंगी जो माइनॉरिटी को मिला वो कौन माइनॉरिटी इंटरेस्ट से और होल्डिंग में कितनी बातें दो सर होल्डिंग में जो प्री वाला मिला है वो इंटरसिक वैल्यू और जो पोस्ट वाला मिला है, वो बैलेंस शीट दोबारा जो माइनॉरिटी को मिला है बोले प्री हो या पोस्ट हो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रिटी में जो होल्डिंग को मिला है उसमें जो प्री वाला पार्ट है वो इंटरेंसिक वैल्यू है और पोस्ट वाला पार्ट जाएगा बैलेंस शीट में पी जाएगा बैलेंस शीट के पी में और जी आर जाएगा बैलेंस जी आर में बेटा जी अब इंट्रेंस वैल्यू नोट नंबर पांच में जाएगा वो कंपेयर होगा कॉस्ट एक्विशन से उसे प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व बोलो और लॉस है तो गुडविल बोलो इसे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी छिल मार के छिल मार के सबको झेपा बेटा जी सबको झेपा बेटा जी इसके बेटा अलावा इसके बच्चों अलावा कंसोल्टेशन में कुछ एडजस्टमेंट आते सर कौन से आते सर बेटा मुझे बताओ अब तक का पार्ट सबके दिमाग पे गया क्या भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे पता है जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है जो फर्स्ट टाइम बच्चों पढ़ रहे हैं, या फिर जिन्हें पहले पढ़ा था लेकिन इतना डेफ में बच्चों नहीं पढ़ा होगा तकलीफ हो गया थोड़ा तकलीफ होगी बस थोड़ा सा बच्चे प्रैक्टिस करो बच्चों लेक्चर को बच्चों वापिस देखो थोड़ा तो कॉन्फ्रेंस बच्चों बढ़ेगा ठीक है ठीक है को यस अब देखो भाई साहब अब भाई साहब कंसोल्टेशन में नेक्स्ट बच्चों कंसेप्टे कंसेप्ट टॉप इंटर कंपनी बच्चों अब तक जो सामने ना बच्चों ये बेसिक चीज ये ऐड करो ये ऐड करो ये नोट बना बच्चों अब बच्चों अब शुरू हो रहा बच्चों एडजस्टमेंट मतलब क्या भाई साहब बहुत बार ऐसा होता है बहुत ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में भाई साहब बहुत बार ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में आपस में कुछ लेन देन होते भाई साहब बहुत बार ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कुछ लेन देन होते कर इनके बीच में बेटा कुछ लेन देन होता है कुछ व्यवहार होता है इसको हम बोलते इंटर कंपनी ओइंग बच्चे क्या लेंगे? इंटर कंपनी ओइंग शॉर्ट फॉर्म इज आईसीओ तो बच्चों, जब भी आप कंसोलिडेटेड मतलब जब भी आप कंबाइंड बैलेंस बनाओगे भाई साहब जब भी बेटा आपको भाई साहब आप जब भी आप कंबाइंड बैलेंस शीट बनाओगे तो कंबाइंड बैलेंस शीट के टाइम पे ओके जब भी बच्चों बना तो वैसे के टाइम पे ये इंटर कंपनी एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ओके नाले को मैं, मैं दोबारा दुआ बता रहा हूं भाई साहब जब भी सम आएगा इंटर कंपनी ओइंग का इंटर कंपनी टाइम पे कंबाइंड बच्चों बैलेंस शीट सबको एडजस्ट करना पड़ेगा सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे <coughs> करेंगे प्लीज समझ जाता है इसे बच्चों फोकस करो बच्चों भाई साहब पांच मिनट के अंदर बेटा जी ये कंसेप्ट आपके दिल में उतार दूंगा दिल में उतार दूंगा बेटा जी ठीक है देखो भाई साहब इंटर कंपनी ओइंग में क्या होता है सर इंटर कंपनी में सबसे पहला एडजस्टमेंट सर आता है लोन वर्सेस लोन सेकंड आता है सर बिल रिसबल वर्सेस बिल पेबल सेकंड आता है सर बिल रिस वर्सेस बिल पेबल तीसरा आता है सर डेटर वर्सेस क्रेडिटर तीसरा बच्चा आता है डेटर वर्सेस क्रेडिटर ओके

इंटर बच्चों कंपनी ओइंग भाई साहब इंटर बच्चों कंपनी ओइंग में इंटर बच्चों कंपनी ओइंग में सर इंटर कंपनी ओइंग में सर चार पार्ट होते पहला होता है लोन वर्सेस लोन का एडजस्टमेंट सेकंड आता है सर बिल रिसेबल वर्सेस बिल पेबल तीसरा आता है सर ओके तीसरा आता है सर डेटर वर्सेस क्रेडिटर बेटा एक रिक्वेस्ट बेटा जी जो बच्चे कमेंट बॉक्स बच्चों आपस में डिस्कशन बेटा कर रहे ओके साक्षी नमन

ठीक तो है तो प्लीज मुझे फोकस छोड़िए बेटा जी ठीक है समाज से बेटा बाद में करें बेटा जी पहले अपने पढ़ाई में बना दो अपने कंसप दो बेटा जी ठीक है चलो ना फोकस नॉ फोकस आप टाइम पास बन बेटा जी ठीक है बेटा मैं आपको बता बेटा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई एक ट्रेन मस्ती निकल जाए भाई तू जब निकल जाए तू बंद निकलता भाला टाइम पास मत कर मेरे भाई टाइम पास मत कर ठीक है तुझे पढ़ना तो बेटा भाई पढ़ने तो निकल है मेरे भाई अगर तू सेस का बच्चा है तो पढ़ भाई पढ़ा दे कंसेप इंपोर्ट इम्पोर्ट कंस बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा मेरे भाई ठीक है प्लीज डोंट डिस्टर्ब ठीक है चलो चलो भाई साहब अब बच्चों देखो नेक्स्ट बच्चों देखो बेटा में कंसेप्ट बता रहा हूं ऑफ इंटर कंपनी ओइंग भाई साहब ऑफ क्या होता है इंटर कंपनी ओइंग बच्चों इंटर बच्चों कंपनी ओइंग में चार फंडे होते हैं भाई साहब पहला होता है लोन वर्सेस लोन सेकंड बच्चों होता है बिल रिसेबल वर्सेस बिल पेबल तीसरा बच्चों होता है डेटर वर्सेस क्रेडर और चौथा बच्चों होता है कंसेप्ट ऑफ स्टॉक भाई साहब यहाँ पे चार एडजस्टमेंट आते हैं मतलब कैसा मतलब क्या मतलब क्या अब प्लीज फोकस करेंगे बच्चों यार बहुत बार ऐसा होता है बहुत बार ऐसा होता है मान लो बच्चों में क्या क्या बेटा मैंने क्या किया मैं होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में गया फिर बेटा मैं सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में गया बेटा सबसे पहले मैं क्या किया मैं होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में गया फिर बच्चों में सबसे पहले बैलेंस शीट में गया सब बैलेंस शीट तो दो साइड होते एक होता है एसेड दूसरा लाइब्रेट होता है सर सर में दोनों कंपनी बैलेंस शीट में गया मुझे पता चला मुझे पता चला भाई साहब मुझे पता चला मुझे पता चला कि यार एक कंपनी ने दूसरे से लोन लेके रखा है जब भाई साहब मैं दोनों कंपनी के बैलेंस शीट में मुझे पता चला कि एक कंपनी ने दूसरे से लोन लेके रखा है मतलब क्या सर? यार मैं होल्डिंग बैलेंस शीट में गया तो मुझे पता चला कि होल्डिंग कंपनी ने एक लाख रुपए का लोन लिया होल्डिंग कंपनी एक लाख का लोन लिया मैंने होल्डिंग को पूछा बता बता होल्डिंग तूने लोन किससे लिया तो होल्डिंग ने बोला भाई ये लोन मैंने सब्सिडी से लिया है क्या बात कर रहा है हा भाई होल्डिंग ने बोला भाई मैंने एक लाख का लोन लिया है किससे सब्सिडी से ढेंटर अगर होल्डिंग ने अगर लोन लिया है होल्डिंग ने अगर लोन लिया है ये लोन होल्डिंग में क्या दिखाई देगा लाइबिटी होल्डिंग ने अगर एक लाख का लोन लिया है तो भाई साहब ये लोन होल्डिंग में कहां पे आएगा लाइबिटी में आएगा और सब्सिडरी ने लोन दिया है तो उसके लिए एसेट है ना अरे कलते का जिसने लोन लिया है उसके लिए लाइबिटी है होल्डिंग ने लोन लिया है उसके लिए लाइबिटी है और सब्सिडी लोन दिया है उसके लिए क्या है? एसेट है मतलब वही लोन एक के बुक में क्या है लाइब्रेटी और एक में क्या है एसेट है जब आप जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे बच्चों कंबाइंड बैलेंस शीट में क्या होता है होल्डिंग कंपनी क्या करेगा अपने एसेट में सब्सिडी एसेट ऐड करेगा और अपने लाइब्रेटी में उसकी लाइब्रेटी ऐड करेगा बच्चों कंबाइंड बैलेंस शीट में क्या करेगा होल्डिंग कंपनी क्या करेगा अपने एसेट में सब्सिडी के एसेट ऐड करेगा और अपने लाइबिटी में उसकी लाइबिटी ऐड करेगा तो मतलब एसेट में एसेट ऐड लाइब्रिट लाइबिटी ऐड जब ऐसा किया हमको क्या दिखाई दिया और इस कंबाइंड बैलेंस शीट में वही लोन एक बार एसेट में आ रहा है एक बार लाइब्रेटी में आ रहा है सो so वही लोन एक बार एसेट में आ रहा है एक बार लाइब्रेटी में आ रहा है अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता है क्या बोले वही लोन एक बार एसेट में आ रहा है एक बार में आ रहा है हम बोले उसका परपस क्या भाई कंबाइंड बैलेंस शीट में एक लाख एसेट में भी है और लाइब्रेटी में वही लोन एक बार एसेट में एक बार लाइब्रेटी हम बोले भाई साहब एक काम करो इंटर कंपनी ओइंग के तहत इंटर कंपनी ओइंग के तहत आप एसेट से भी एक लाख लेस करो और लाइब्रेटी से एक लाख लेस करो क्योंकि वही एक लाख एक बार दिख रहा है एसेट में एक बार दिख रहा है लाइब्रेटी में तो दो दो बार क्यों दिखाने का तो हमने क्या बोला इंटर कंपनी ओइंग के तहत एसेट से भी एक लाख लेस करो लाइब्रेट से भी एक लाख लेस करो मतलब सर लोन खत्म हो गया प्लीज समझना लोन खत्म नहीं हुआ है इन दोनों के इंडिविजुअल बैलेंस शीट में अभी भी लोन है इन दोनों के इंडिविजुअल बुक्स में इन दोनों के इंडिविजुअल में अभी भी लोन है पर कंबाइंड बैलेंस शीट में उस लोन को दो दो बार देख के हमारा दिमाग खराब हो रहा था हमने बोला दोनों को निकालो यहां से एसेट से भी उड़ाओ लाइब्रेटी से भी उड़ाओ तो इंटर कंपनी में सिंपल करना है उड़ाने का इधर से भी उड़ाओ उधर से भी उड़ाओ एज ए इंटर कंपनी चलता हा भाई रूल है बेटा जी अगर वही बात एक बार आ रही है तो यहां पे लोन आएगा जीरो पे लोन जीरो आएगा सर और केस बताओ नेक्स्ट केस आ रहा है सर बिल वर्सेस बिल पेबल मतलब क्या भाई साहब अगेन में होल्डिंग के बैलेंस शीट में गया, अगेन में सब्सिडरी में गया। मुझे पता चला कि होल्डिंग के बैलेंस शीट में जो बिल है, सर होल्डिंग के पास सौ का जो बिल रिसेबल है होल्डिंग के पास जो पांच का जो बिल रिसबल है और सब्सिडी के पास पास सब्सिडी के पास सात सौ का बिल पेबल है होल्डिंग के पास पांच का बिल रिसबल है सबसे पास 1700 बिल पेबल है। जब अने बिल रिसेबल और बिल पेबल के डॉक्यूमेंट चेक किए हमको पता चला, हमको पता चला इस बिल में से 100 रुपए का ऐसा बिल था, 100 का ऐसा बिल था जो होल्डिंग को आने वाला था सबसे से। होल्डिंग के बिल में सो का ऐसा बिल था जो किससे आने वाला था सर सब्सिडी से तो सौ रुपए होल्डिंग के लिए बिल क्या था और वही सौ रुपए सब्सिडी के लिए बिल पेबल था अरे नालायक को समझ पा रहे में क्या बता रहा हूं होल्डिंग के जो बिल रिसबल है होल्डिंग को जो बिल रिसीव होने वाला था उस से सौ रुपए का ऐसा बिल था जो किससे आने वाला था सब्सिडी से और सब्सिडी को जो बिल पे करना था पे से सौ रुपए ऐसा बिल था जो किसको पे करना था होल्डिंग को तो चाहे इंटर कंपनी दो कंपनी के आपस का लेन देन तो क्या करेंगे कंबाइंड बैलेंस शीट में सर कंबाइंड बैलेंस शीट में हमें क्या दिखा दे वही सौ रुपए एक बार आ रहे थे एसेट में और एक बार आज रहा में कंबाइंड बच्चे बैलेंस शीट में वही सौ रुपए एक बार आ रहे थे एसेट में और एक बच्चे लाइब्रेटी में आ रहे थे तो हमने क्या किया सौ रुपए से भी उड़ाया लाइब्रेट से भी उड़ाया नाला को ना तो इंटर कंपनी ओइंग का मतलब क्या है जो एसेट में भी है और लाइब्रेटी में भी दोनों से उड़ा सो रुपये एसेट में भी था और लाइब्रेटी में था तो सौ रुपए दोनों से उड़ाया एज ए इंटर कंपनी ओइंग यहां से भी सोलेस करो वहां से भी सोलेस करो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कंपनी ओइंग बोलते हैं चिल के, चिल मार के, के। नाले को अगर दोनों बच्चों कुछ लोन है बेटा जी लोन एसेट से भी उड़ा, लाइबिटी से उड़ा अगर भाई साहब दोनों बच्चों कुछ अगर बिल का है तो बिल रिस से भी उड़ा बिल पे से उड़ाओ अब लास्ट मेरा कंसेप्ट है डेटर वर्सेस क्रेटर भाई साहब, जब मैं होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में गया मुझे दिखाई दिया होल्डिंग के पास हजार रुपए के से. और मुझे दिखाई दिया सब्सिडरी के के पास हजार के है. मुझे दिखाई दिया मुझे दिखाई दिया मुझे दिखाई दिया कि होल्डिंग के पास हजार का डेटर है और सब्सिडरी के पास हजार का क्रेडिटर है मैंने पूछा किधर का पैसा डेटर मतलब क्या है जिनसे पैसा आने वाला है क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है गायत्री जी दो इिट हो बेटा एसेट से भी लेस क्या है से लेस क्या है दो इिट हो बच्चे दो ना मैं दोनों से लेस क्या दो फिट हो गया बेटा नाउ बैक टू फोकस डेटर मतलब क्या है जिनसे पैसा आने वाला है क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है जब होल्डिंग के पास गया तो होल्डिंग ने मुझे बताया सर हमारे डेटर जो ना सर उस डेटर में हजार रुपए हमें सब्सिडी आने वाले होल्डिंग ने क्या बोला सर किसी को बताना मत हमारे डेटर में हजार रुपए हमें किससे आने वाले सब्सिडी आने वाले और सबसे ने बोला सर किसी को बताना मत सर कि हमारे क्रेटर में से हजार रुपये हमें होल्डिंग को पे करने मैंने बोला अच्छा नालाय तुम तो मुझे को चुना लगा रहे तुम लोग तुम आपस लेनदेन कर रहे हो हजार रुपये होल्डिंग को आने वाले किससे सब्सिडी से और हजार रुपये सब्सिडी को देने किसको होल्डिंग को मतलब हजार रुपये एक में क्या है एसेट है और एक में क्या लाइबिटी एक कंपनी दूसरे को पैसा देने वाले हजार रुपए एक में क्या है एसेट है और एक में क्या है लाइबिटी तो भाई साहब कंबाइंड में क्या करेंगे एज अ इंटर कंपनी ओइंग एज अ इंटर कंपनी ओइंग एसेट से भी उड़ाओ और लाइबिटी से उड़ाओ ओके okay, भाई साहब हम क्या करेंगे कंबाइन बच्चों वाले से क्या करेंगे एसेट से भी उड़ाओ लड़ी से उड़ाओ तो एज ए इंटर कंपनी ओइंग में हम दोनों से उड़ाए सर सर कंबल बच्चों क्या करेंगे इंटर कंपनी ओइंग के तहत हम क्या करेंगे एसेट से भी उड़ा लड़ी सोडाओ मतलब भाई साहब सिंपल बचा भाषा में बताऊंगा इंटर कंपनी ओइंग का मतलब क्या है तो दो कंपनी के बीच में कुछ बच्चों लेन देन है तो भाई साहब दो कंपनी बच्चों जो लेन रहेगा तो भाई साहब एसेट से भी लेस करो और लाइबिलिटी से भी लेस करो एसेट से भी लेस करो लाइबिलिटी से लेस करो इसको बोलते इंटर कंपनी ओइंग क्या थोड़ा बहुत झीपा नालायक हो बस इन सबका बच्चों बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेटा जी अब बेटा इसमें अभी हमारे दो केस और बच्चे कंसेप्ट ऑफ स्टॉक और, और कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड जो मैं कल कराऊंगा बच्चों स्टॉक वाला कंसेप्ट वाला बेटा फिर बच्चों ऑफ स्टॉक डिविडेंड और, और ये तीन बच्चों फंडे बच्चे क्यू, ओके बच्चों, ये बच्चों, कल, के चले बच्चों, कल भाई साहब एक घंटे में ये अच्छे से करा के दूंगा चलेगा को क्यों अभी बच्चों बताऊंगा ना तो दिमाग तुम्हारा फट जाएगा अभी बहुत पढ़ाओ बहुत पढ़ा होगा ना बस बच्चों इतना बड़ा मुझे बस इतना मुझे जितना आज मैंने पढ़ा है सबको समझा गया बस मुझे आता कितने बच्चों को थोड़ा सा हेवी लगा बोलो कितना थोड़ा हेवी लगा बताओ कितना छोटा हीवी लगा सर थोड़ा हेवी होगा सर थोड़ा हेवी होगा सर बेटा जी अभी सुनो मुझे पता है बच्चों देखो यहाँ पे जिन लोगों ने ये सब पहले पढ़ा अच्छे रेगुलर क्लास में मुझे पढ़ा बेटा जी आपको बहुत स्मूथली बेटा समझाओगा पर वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन लोगों ने जिन बच्चों लोगों ने ये पहले बच्चों नहीं पढ़ा होगा जो फर्स्ट टाइम बच्चों पढ़ रहे होंगे वैसे अगर फर्स्ट टाइम बच्चों पढ़ोगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा तकलीफ तो आता है बच्चों टाइम लगता है समझने के लिए तो बच्चों एज अ कंसेशन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे उनको ध्यान रखते हुए भाई ताजी सुनो बच्चों एक मैं काम का बच्चे काम कर रहा हूं आज का वीडियो आज का वीडियो बेटा मैं प्राइवेट नहीं करूंगा आज का वीडियो में पब्लिक रखूंगा क्यों सर जिन बच्चों ने कंसोल्टेशन पहले नहीं पढ़ा था जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे जो मुझसे बड़ा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे आप सबसे बच्चों गुजारिश है कि ये वीडियो कल आप वापिस देखो कल दिन में बच्चों इसको वापिस आप देखिए जो देखो बच्चों अभी बच्चों टाइम बेटा कम था मैं बच्चों कमेंट आपके देख रहा बच्चों आपको छोटे छोटे बच्चे डाउट बेटा रहे थे कि सर

आधे घंटे बच्चों ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम 9 बजे मिलेंगे एफएम के लिए सब ब्रेक के बाद हम 9 बजे मिलेंगे एफएम के लिए और भाई साहब मस्त फ्रेश होके आना थोड़ा सा चाय वगैरह पी के आना गर्म बच्चे पानी पी के आना क्योंकि एफएम में मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं कैपिटल बजेटिंग कल बच्चों में बच्चों फरमाइश देखी थी कल मैक्सिमम बच्चों ने कैपिटल बजटिंग नाम बच्चों लिया था तो बच्चों एफ एम में टॉपिक लेने जा रहा हूं कैपिटल बजटिंग बजटिंग तो कैपिटल का ईच एंड एवरी उसके formula, उसके सम में कराऊंगा तो कहीं को तो बजे मतलब कैपिटल बजटिंग के लिए ठीक है को यस तो आपके जितने भी दोस्त है सबको बोल दो कि कैपिटल बजटिंग नो बजे स्टार्ट हो रहा है इट इज मच अव चैप्टर बेटा जी ठीक है को तो यस अभी बेटा जी यस चलो टेक केयर, केयर, टेक टेक और लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, ठीक है? क्योंकि भाई साहब ये चैप्टर जब बच्चे पढ़ा रहा था ऐसे धक धक मुझे हो रहा था इतने सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े थे यार मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझा कि नहीं समझा टेंशन था बेटा जी तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स जरूर बता आपको समझा कि नहीं समझा मुझे बताना प्लीज बेटा जी मुझे अच्छा लगे बेटा जी अगर आपको समझा होगा तो भाई साहब मैं कल मैं मस और करा के दूंगा और थोड़ा सा भी दिक्कत भी रहेगा नालायक को तो कल उस कंसेप्ट बच्चों में थोड़ा सा और डेफ में लेके जाऊंगा नालायक को ठीक है तो प्लीज शेयर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स ठीक है बेटा जी चलो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो आधा घंटे मस्त कपड़ा खाना का के लो हम नौ बजे मिलेंगे एफ के नौ बजे मिलेंगे एफ के लिए ठीक है टेक केयर टेक केयर टेक केयर ठीक है भाई साहब ये सभी नोट शेयर तो मत ना को नोट शेयर करूंगा जिनको सब बच्चों लिखना होगा रात को 11 बजे ये नोट्स टेलीग्राम पे आ जाएंगे ठीक है यस बाय बाय